ओके तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, सबने खाना खा लिया होगा, राइट? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आज का सेशन बहुत इजी है और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आई होप 1 घंटा या मैक्सिमम से मैक्सिमम 70-75 मिनट्स में वी विल बी एबल टू कंप्लीट द इंटायर सेशन, राइट? ओके, मैं आपके टाइमिंग को पढ़ रहा था, मैं आपके चैट पढ़ रहा था, और मैंने टेलीग्राम पे भी चैट कुछ पढ़े कि बच्चे कह रहे थे कि सर टाइमिंग क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या रखो, एक ही टाइमिंग रखो। सो इनिशियली आई थॉट कि शाम का टाइम बेटर रहेगा, और मुझे लगता है शायद शाम शाम का टाइम बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं कि बेटर रहेगा, बट मेरे लिए फिर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है शाम के टाइम में। कुछ अभी इम्पोर्टेंट काम, जैसे आज मैंने सेशन को पोस्टपोन कर दिया, तो ऐसे आने वाले दिन में ऐसा हो सकता है कि कभी कभार हो। सो आई थिंक कि कल से लेकर सेशन हम मॉर्निंग में रखें। मॉर्निंग में मैं अर्ली मॉर्निंग तो नहीं रखूंगा, बट आई थिंक द सेशन शुड बी एट 9 और 9:30 के आसपास, राइट? 9 और 9:30 के आसपास होना चाहिए सेशन। 9 बजे, 9 या 9:30 बजे के आसपास होगा सेशन। तो कल से लेकर जो अपना सेशन होगा वो मैं आपको बता देता हूं, कल से जो अपना सेशन होगा वो सुबह 9, 9:30 बजे के आसपास रहेगा, ताकि हम अर्ली मॉर्निंग खत्म कर लें चीजों को। क्या होगा, इससे एक और एडवांटेज है कि सुबह सुबह आप इसको निपटा लोगे तो आपका बाकी का पूरा दिन आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, ठीक है ना? आपको पूरा दिन वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे यार कब होगा सेशन, कब होगा सेशन, वगैरह वगैरह। और क्या होता है, सुबह सुबह पढ़ाई भी अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो हम 9 बजे के आसपास का सेशन रखेंगे, 9, 9:30, 9, 9:30 के आसपास का सेशन रखेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी एक वो होगी कि यार चलो ठीक है, मेरी आज की लाइबिलिटी सुबह खत्म हो गई, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, दैट्स इट। मेरा अभी पूरा दिन मैं अपने बुक्स पे ध्यान दूं। अभी क्या है कि मेरे हाथ में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, जो कि है आपके सेशंस, ठीक है ना? बाकी पूरा दिन क्या होता है, मुझे अपने नोट्स मेकिंग पे ध्यान देना पड़ता है, मुझे अपनी बुक्स पे ध्यान देना पड़ता है, तो मेरे लिए भी वो आसान रहेगा। तो गाइस सुबह से लेकर सेशन रहेगा कल से लेकर 9, 9 o'clock सुबह रहेगा, 9 बजे या 9:30 बजे के आसपास, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आज का सेशन बहुत ही इजी है, मतलब कल का जो सेशन था हमारा इंड एस 12, आई होप आपको वो सब कुछ समझ में आ गया होगा, राइट? कल का सेशन ज्यादा टेक्निकल था कंपेयर टू आज का सेशन। आज का सेशन ज्यादा टेक्निकल नहीं है, आज का सेशन इजी है, क्योंकि AS10 हम कहीं ना कहीं IPCC इंटरमीडिएट में पढ़ चुके होते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत मैच करता है, बट कुछ बातें एक्स्ट्रा भी हैं जिनको हम ध्यान देंगे आज जरूर। आज से लेकर हमारा असेट बेस्ड इंडेस शुरू हो गए। उन असेट बेस्ड इंडेस में मैं सबसे पहले उठा रहा हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंडेस 16, राइट? चलिए अब सबसे पहले अपना पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट बच्चों इंडेस 16 पे। टाइमिंग वाइमिंग अभी बिल्कुल चैट मत करिए, अब पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट अभी इंडेस 16 पे करिए। बाद में जो भी डिस्कशन होगा मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा सेशन के बाद। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपका जो लाइव चैट है वो डिसेबल कर रहा हूं, और मैं इनेबल करूंगा जहां मुझे लगेगा कि यार मैंने एक तगड़ी चीज सिखाई है, बताई है, जिसपे मुझे बच्चों का कुछ पूछना चाहिए, वहां मैं इनेबल करूंगा, या फिर मैं लास्ट में इनेबल करूंगा आपके डाउट्स पूछने के लिए। सो प्लीज बच्चों बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट, अभी 1 से 1.25 घंटा आराम से अपने को पढ़ना है। तो मैं अभी आपका लाइव चैट कर रहा हूं डिसेबल। ओके, लाइव चैट हो गया है डिसेबल। ओके, लाइव चैट हो चुका है डिसेबल। मुझे बीच में जहां लगेगा वहां मैं इनेबल कर दूंगा, मुझे लगेगा कि यार मैंने बहुत एक तगड़ा पॉइंट बताया है, वहां पर मुझे पूछना चाहिए बच्चों से कि समझ में आया कि नहीं, और दूसरा मैं सबसे लास्ट में आपके डाउट्स इंटरटेन करूंगा, ठीक है? इंड एज 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि इस इंड एज 16 को हम हमेशा कंपेयर करते हैं AS10 से, और AS10 का पहले नाम हुआ करता था
फिक्स्ड असेट्स। तो टेक्निकली हम सबको पता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक तो फिक्स्ड असेट होता है, बट इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पीपीई की डेफिनेशन क्या होती है? तो बच्चों हमेशा याद रखना पीपीई की डेफिनेशन में दो चीजें आती हैं। हाँ, ये हमेशा पता होना चाहिए कि पीपीई में हमेशा टेंजिबल आइटम आता है। क्या आता है? टेंजिबल आइटम। पीपीई में हमेशा आता है टेंजिबल आइटम। टेंजिबल आइटम जो दो कंडीशन फुलफिल करे, पहला हेल्ड फॉर यूज, पहला हेल्ड फॉर यूज नॉट फॉर सेल। जब हम इंड एएस 2 पढ़ेंगे इन्वेंटरी, उसमें होता है हेल्ड फॉर सेल, इन्वेंटरी में होता है हेल्ड फॉर सेल। इंड एएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल, इट इज हेल्ड फॉर यूज। किसमें? इन द प्रोडक्शन और इन द सप्लाई। प्रोडक्शन किस चीज का? प्रोडक्शन गुड्स। सप्लाई किस चीज का? गुड्स सर्विसेस। रेंटल आपका आपने उसको रेंट पे देने के काम चलाया हुआ है, ठीक है ना, रेंटल। और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ हियर व्हाई आई एम सेइंग रेंटल, रेंटल मींस बेसिकली आपका वो काम ही है रेंट पे देने का, आपका मेन ऑपरेटिंग बिजनेस ही है रेंट पे देने का। अब जो ये रेंटल है, ये रेंटल एक बड़ी दिक्कत देने वाली चीज है, बहुत सारे बच्चे उलझते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंड एएस 40 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक इंड एएस 40 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग कवर होता है। वहां पर भी बोला गया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मींस लैंड और बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग विच इज हेल्ड फॉर रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो अब रेंटल वर्ड उसमें भी आ रहा है, रेंटल वर्ड यहां पे भी आ रहा है, ये क्या दिक्कत है? तो दोनों में फर्क ये है कि आपको मेन ये देखना है कि आपका ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी रेंटल का है क्या। जैसे मान लीजिए आपका फोर व्हीलर को किराए पर देने का काम है, आपका बिजनेस ही यही है, तो ऐसे केस में वो आपका पीपीई हो जाएगा। फोर व्हीलर जो आपके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब आपकी पीपीई हो जाएगी, बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर यूज इन द रेंटल, आपका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही रेंटल है, ठीक है ना। आप गर्ल्स हॉस्टल आप चलाते हो, आपका काम है गर्ल्स हॉस्टल का, आप हॉस्टल किराए पर देते हो, बच्चों को किराए पर हॉस्टल देते हो, इट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज योर ऑर्डिनरी बिजनेस। तो वो आपका जो हॉस्टल की जो बिल्डिंग है वो आपकी कवर होगी इंड एएस 16 में। इंड एएस 16 में रेंटल वर्ड आ रहा है उस पर्पस से जहां आपका मेजर काम ही वही है, आपका रेंट पे देने का काम है, हायर परचेज का काम है। पर इंड एएस 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो वाले रेंटल आते हैं जहां पर रेंटल आप ऐसे ही दे रहे हो, आपका मेन ऑपरेटिंग बिजनेस रेंट का नहीं है। मतलब बेसिकली आपका आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आपका कोई सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में हो, आपके पास एक कोई प्रॉपर्टी रखी है, आपने सोचा ये फालतू रखी हुई है, खाली रखी हुई है, चलो हम इसको किसी को किराए पर दे देते हैं, किसी और कंपनी को हम किराए पर दे देते हैं फॉर द टाइमिंग। बट वो किराया अर्न करना आपका प्राइमरी मोटिव नहीं है, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका मेजर बिजनेस का नेचर नहीं है। तो ऐसे केस में वो वाला लैंड एंड बिल्डिंग जिसको आपने किराए पर चलाया है, जहां पर आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है किराए पर देना, वो आपका इंड एएस 40 में कवर होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। सो याद रखिएगा इस रेंटल वाले को, रेंटल वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मैंने बोला पीपीई में दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, पीपीई मतलब कोई भी टेंजिबल आइटम। अच्छा, टेंजिबल आइटम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनटेंजिबल आइटम आपके इंड एएस 38 में आता है। कोई भी टेंजिबल आइटम जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, पहला हेल्ड फॉर यूज, किसमें यूज? इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब मान लीजिए मेरा एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बट मेरे को अलग से अपने एम्प्लॉइज को बैक ऑफिस में, मुझे अपने एम्प्लॉइज को बिठाना है, वो बैक ऑफिस के लिए मैंने अलग से एक बिल्डिंग खरीदा, वहां पर मेरा बैकएंड वाले जो एम्प्लॉइज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो एम्प्लॉइज हैं, वो वहां बैठते हैं, ठीक है ना। लेबरर्स एंड वर्कर्स मेरे फैक्ट्री में रहते हैं, तो अलग से मैंने एक बिल्डिंग बनाई है जहां पर मेरा बैक ऑफिस का काम होता है, तो वो भी बिल्डिंग मेरी पीपीई होगी। आई बात समझ में? तो इन चार में से कोई भी एक कंडीशन, यहां पर चार में से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव अगर आपका है, हेल्ड फॉर यूज, इन द प्रोडक्शन, सप्लाई, रेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, प्लस यूजफुल यूज फॉर मोर देन 12 मंथ, 12M लिखा है, M मतलब मंथ, मतलब आपको एक्सपेक्टेड है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 12 महीने से ज्यादा मैं इसको यूज करूंगा, जो आपने लिखा है ना हेल्ड फॉर यूज, तो आप इसका एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हो कि 12 महीने से ज्यादा यूज होगी, 12 महीने से ज्यादा यूज होगी, तो इसको कहते हैं पीपी। तो पीपी मतलब क्या? पीपी मतलब, मेरे साथ साथ बोलेंगे, पीपी मतलब टेंजिबल आइटम विच सेटिस्फाइज टू कंडीशन। पहला क्या? हेल्ड फॉर यूज, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल। हेल्ड मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका यूज है, नॉट फॉर सेल।
आगे चल के अगर असेट पुरानी हो गई बेचना पड़ रहा है वो एक इंसिडेंटल सेल है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। रेंटल में याद रखना मैंने जो एग्जांपल दिया। दूसरा, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा यूज होने के एक्सपेक्टेशन है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसके नीचे आइए, अब इसके नीचे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बियरर प्लांट इज पीपी, बायोलॉजिकल असेट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस नॉट पीपी। अब सर ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट को अपन समझते हैं अलग से, कॉपी में आप लिखिएगा बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज कॉल्ड बायोलॉजिकल असेट्स, विच इज कॉल्ड बायोलॉजिकल असेट्स, राइट। बायोलॉजिकल असेट्स में दो चीजें होती हैं, प्लांट्स एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है बियरर प्लांट, एक होता है नॉन बियरर प्लांट, एक होता है बियरर प्लांट, एक होता है नॉन बियरर प्लांट। सर बियरर प्लांट को हम कहते हैं पीपीई, बियरर प्लांट आता है पीपीई की कैटेगरी में, जबकि जो नॉन बियरर प्लांट होता है वो आपका पीपीई नहीं होता है, वो आपका इन्वेंट्री की कैटेगरी में आता है। तो टेक्निकली इसके ऊपर सबसे पहले तो इंड एएस 41 अप्लाई होता है, फिर इसके ऊपर इंड एएस 2 अप्लाई होता है। व्हाई आई एम सेइंग 41, क्योंकि ये प्लांट है, बायोलॉजिकल असेट है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो पहले सबसे पहले इसके ऊपर इंड एएस 41 होता है अप्लाई इनिशियल रिकॉग्निशन में, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में इसके ऊपर एएस 2 लग जाता है। तो टेक्निकली नॉन बियरर प्लांट आपका इन्वेंट्री होता है। अब आप बोलोगे सर ये बियरर और नॉन बियरर में डिफरेंस क्या है, सिंपल सा डिफरेंस बोलूंगा। बियरर प्लांट मतलब मान लीजिए ऐसे कोई प्लांट्स जो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करे, ऐसा कोई प्लांट जो प्रोडक्शन करे किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, फॉर एग्जांपल ट्रीज। ट्री इज अ बियरर प्लांट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैंगोस, और मैंगो क्या है, मैंगो इज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो ऐसा कोई प्लांट जो किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को पैदा करे, और वो प्लांट की यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब एक बियरर प्लांट को हम पीपी क्यों बोल रहे हैं, समझना, क्योंकि बियरर प्लांट इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्यों? पहली बात, हेल्ड फॉर यूज। आप बियरर प्लांट को कभी बेचते नहीं हो, आप उसमें से प्रोडक्शन करते हो। किस चीज का प्रोडक्शन करते हो? एग्रीकल्चर गुड्स का, मैंगोज, मैंगो ट्री का मैंगोज, आई बात समझ में कि नहीं, कोकोनट ट्री का नारियल, ठीक है ना, कोकोनट। और इट इज यूज, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स। और आप, हम हमेशा एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इस प्लांट की लाइफ 12 महीने से ज्यादा होगी। जबकि जो नॉन बियरर प्लांट होते हैं, नॉन बियरर प्लांट अपने आप में एक एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं जिनको आप हार्वेस्ट करके बेच देते हो, जैसे ग्रेन्स, वीट, राइस, है ना, मेज, ये सब अपने आप में हार्वेस्ट होके ये खुद ही अपने आप में एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं। सो बियरर प्लांट इज नॉट अ गुड्स, इट इज एन असेट, इट प्रोड्यूसेस द गुड्स। एंड नॉन बियरर प्लांट इज इट इज इट सेल्फ अ एग्रीकल्चर गुड। सो बिकॉज इट इज अ एग्रीकल्चर गुड्स, तो इट इज कवर्ड अंडर इन्वेंट्री। और ये क्योंकि कहीं ना कहीं एक असेट की तरह काम कर रहा है, आपको प्रोडक्शन करके दे रहा है, और आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए यूज होगा, तो इसीलिए आप उसको बियरर प्लांट को पीपीई की डेफिनेशन में रख रहे हो। तो बियरर प्लांट आपका पीपीई की डेफिनेशन में होता है। आई बात समझ में? आगे अब आते हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स पे याद रखना, एनिमल्स भी दो तरीके से हो सकता है। अगर एनिमल्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, अगर आपके एनिमल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, तो आपके इंड एएस 41 में कवर होंगे। यस, इट इज, इट विल बी कवर्ड अंडर इंड एएस 41, क्योंकि इंड एएस 41 का नाम ही है एग्रीकल्चर। जैसे अमूल कंपनी, अमूल कंपनी के पास जितने भी बफेलोज होंगे, काउज होंगी, फॉर डेयरी आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, अमूल कंपनी इज़ बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट आइटम कंपनी, तो उसके पास जितने भी एनिमल्स होंगे वो डेफिनेटली इंड एएस 41 में कवर होंगे, बिकॉज मिल्क देना और ये सब डेयरी वगैरह एक्टिविटी करना, ये सब एग्रीकल्चर में कवर होती है। अब ये मैं पूछूं सर एग्रीकल्चर की डेफिनेशन कहां से देखेंगे, वो क्या इनकम टैक्स से देखेंगे? नहीं, इनकम टैक्स से नहीं देखेंगे, वो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन इंड एएस 41 में दी हुई है। बट अगर एनिमल्स यूज्ड अदर देन इन एग्री
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यूज्ड अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्जाम्पल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर सिक्योरिटी। अब जैसे मान लीजिए मैंने कुछ डॉग, कुछ खूंखार टाइप के डॉग्स को पाला हुआ है अपनी फैक्ट्री प्रेमाइज को सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अपनी फैक्ट्री की सिक्योरिटी पर्पस के लिए मेरे पास कुछ डॉग है, ठीक है ना, मेरे पास कुछ डॉग है, वो खूंखार शेर टाइप के डॉग है, ठीक है ना, मैंने उनको क्यों रखा है, मैंने उनको सिक्योरिटी रीजन के लिए रखा हुआ है। सो नाउ दे विल बी कवर्ड अंडर पीपीई। यस, जान के थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोगों को, बट इट विल बी कवर्ड अंडर पीपीई। वाई? सेम, टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, क्योंकि ये डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं। तो इसको, इसका एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप चाहो तो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि बायोलॉजिकल असेट्स में प्लांट और एनिमल्स का क्या होता है। प्लांट में बेयरर प्लांट्स आपके पीपी होते हैं, और एनिमल्स में इफ दे आर नॉट यूज्ड अंडर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इफ दे आर नॉट यूज्ड अंडर एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए अगर यूज हो रहे हैं तो वो आपके पीपी होंगे। जैसे मान लीजिए आप सर्कस चलाते हो, आप सर्कस चलाते हो, राइट, आप कोई इवेंट चलाते हो, वहां पर आपने कुछ एग्रीकल्चर, आपने कुछ एनिमल्स पाल के रखे हैं, आपका आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो जहां पर आपके पास कुछ ऊंट है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं पीपीई में आएंगे, क्योंकि वो आपके बिजनेस में यूज हो रहे हैं, हेल्ड फॉर यूज, और वो कोई बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो है नहीं। ठीक है, ठीक है साहब, तो ये याद रखिएगा, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया हुआ है कि बेयरर प्लांट आपका पीपी होगा, और बायोलॉजिकल असेट, बायोलॉजिकल असेट में ये क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल असेट में आपका एनिमल भी आ गए और प्लांट भी आ गए, इफ दे आर यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस देन दे आर नॉट पीपी। इसमें एक्सेप्शन क्या है, बेयरर प्लांट। आउट ऑफ स्कोप ऑफ पीपी, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इस इंड एएस 16 के बाहर हैं? वो असेट तो हैं, कहीं ना कहीं वो टेंजिबल असेट भी हैं, पर वो इस इंड एएस 16 के बाहर है। पहला, लीजेस, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो स्पेसिफिकली इंड एएस 116 लगता है, तो हम यहां बोल सकते हैं इंड एएस 116। बायोलॉजिकल असेट्स, क्योंकि उसके ऊपर इंड एएस 41 लगता है, अभी हमने देखा। पीपी हेल्ड फॉर सेल, अब एक ऐसी पीपी जिसको आपने 10-15 साल तक यूज किया, बट आगे चल के आपने डिसाइड कर लिया कि अब हम इसको बिजनेस में यूज नहीं करेंगे, अब हम इसको आगे चल के बेचेंगे, अब मुझे इसको बेचना है, एज सून एज इट इज कंसीडर्ड एज हेल्ड फॉर सेल, इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा इंड एएस 105, इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा इंड एएस 105। आई मेरी बात समझ में? क्लियर। और लास्ट, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, ऐसे कोई भी एक्टिविटी जो मिनरल रिसोर्सेस के एक्सप्लोरेशन में लगती है, वहां पर आप जो भी कोई खर्चा करते हो, कोई भी एक्सपेंस करते हो कैपिटल नेचर का, उस कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को आप रिकॉग्नाइज करते हो इंड एएस 106 में, वहां पर इंड एएस 106 होता है, ऑल्दो इंड एएस 106 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो मिनरल रिसोर्सेस के एक्सप्लोरेशन पर जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, मेरा वर्ड याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो जो भी आप मिनरल रिसोर्सेस के एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन करने पर, ठीक है ना, वो एक्सपेंसेस आपके कवर होते हैं इंड एएस 106 में। तो याद रखना, इन चार चीजों के ऊपर आपका इंड एएस 16 नहीं लगता है, ऑल्दो दे कैन बी टेंजिबल आइटम्स। सो आई होप आपको पीपीई का डेफिनेशन क्लियर हो गया हो। पीपीई मतलब क्या? टेंजिबल आइटम विच सेटिस्फाइज टू कंडीशन। पहला, हेल्ड फॉर यूज नॉट फॉर सेल, किसमें? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, और दूसरा, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, बियरर प्लांट पीपीई, एनिमल में इफ नॉट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इफ यूज फॉर बिजनेस पर्पस देन पीपीई। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन सर, ये रिकॉग्निशन मतलब, रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। आप किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कब करोगे? एक तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन में वो फॉल हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। अब वो डेफिनेशन में तो फॉल हो रहा है, पर रिकॉर्ड करने के लिए आपको दो कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या आपको उस पीपीई से एफईबी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एफईबी का फुल फॉर्म है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको पीपीई से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पीपीई डेफिनेशन में तो आ गया कि हाँ यार ये पीपीई है,
ये पीपीई तो है क्योंकि ये मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है, दूसरा इसकी यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, पर क्या ये मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं, क्या ये फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करके दे सकता है मेरे को कि नहीं। हाँ, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। जनरली हम किसी भी पीपीई की कॉस्ट को आराम से मेजर कर सकते हैं क्योंकि हम हमेशा पेमेंट किसमें करते हैं, कैश के फॉर्म में, या फिर अगर हम पेमेंट कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ एनी एसेट तो इसके इसमें फेयर वैल्यू वगैरह हो जाती है। तो दो बेसिक कंडीशन है कि एक तो दो बेसिक कंडीशन से पहले पीपीई अपनी डेफिनेशन में तो फॉल हो चुका है, हेल्ड फॉर यूज और एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। बट अब उसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, रिकॉर्ड करने के लिए चेक करना है कि मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स इससे एक्सपेक्टेड है कि नहीं। दूसरा, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट रिलायबली मैं मेजर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, राइट? कोई बड़ी कंडीशन नहीं है, ये छोटी मोटी कंडीशन है। और मैं सच्ची बताऊं, ये दोनों के दोनों पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके इंड एएस 38 में भी आएंगे, इंटेंजिबल असेट में भी सेम क्राइटेरिया रिकॉग्निशन का, और इंड एएस 40 में भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेम क्राइटेरिया। तो इस पॉइंट को बिल्कुल सील ठप्पा लगा के रख लो कि ये कॉमन पॉइंट है, ये आपके इंड एएस 16 में भी आएगा, इंड एएस 38 में भी आएगा, इंड एएस 40 में भी आएगा, इंटेंजिबल असेट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मतलब कब हमें रिकॉग्निशन करना चाहिए, रिकॉग्निशन के लिए दो कॉमन कंडीशन, ये दो कॉमन की कॉमन कंडीशन तीनों इंड एएस में कॉमन मिलेगी आपको, ठीक है? अब मुद्दा ये होता है कि सर चलो कंडीशन फुलफिल हो गई, अब हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना, इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब पहली बार जब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी पहली बार रिकॉर्ड करोगे तो हमेशा किस पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट पे। जब भी पहली बार रिकॉर्ड करोगे तो किस पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट पे। सर कॉस्ट क्या होती है? बेटा कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, याद रखना। कॉस्ट में कितनी चीज आती है? तीन चीजें आती हैं। पहला परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। अब अगर आप पूछोगे कि सर जीएसटी आएगा कि नहीं, तो जीएसटी का अगर आईटीसी आपको मिलेगा, जीएसटी का अगर आपको इनपुट क्रेडिट मिल रहा है, तो ऐसे केस में आपका वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि आपको इनपुट क्रेडिट मिल रहा है। पर अगर आपका जीएसटी का इनपुट क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है ना, अगर आपका जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है, आई थिंक शायद सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट मैं बात कर रहा हूं, सीजीएसटी एक्ट की। तो ऐसे केस में जिन जिन असेट्स पर आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो आप उसको कॉस्ट का पार्ट बना सकते हो। तो पहला इज परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है ना, फ्रेट वगैरह उसमें सब आ जाएगा। दूसरा इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सर ये क्या है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट? इसमें मान लीजिए लेबर आ रहा है, ठीक है ना, इंस्टॉलेशन आपका आ रहा है, लेबर हो गया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया, ठीक है ना, टेस्टिंग कॉस्ट हो गया। उसमें आप कुछ कंसल्टेंसी दे रहे हो किसी को, कंसल्टेंसी टू इंजीनियर, आप किसी इंजीनियर को कंसल्टेंसी दे रहे हो क्योंकि आपको इंस्टॉलेशन करना है तो किसी इंजीनियर की कंसल्टेंसी चाहिए, राइट? आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो आप आर्किटेक्चर को फीस दे रहे हो, आपको वो प्लान बना के दे रहा है, पूरा बिल्डिंग का पूरा प्लान आपको बना के दे रहा है, आपको बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी मिल रही है, तो आप उसमें आपने वो ऐड कर दिया। तो ये सारे के सारे आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होते हैं। लेबर कॉस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट बोलते हैं। सो दो पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दो कॉमन है। कॉस्ट में कुल मिला के तीन चीजें आती हैं। हेलो ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ओके, आई थिंक सबको आ रहा है, सुनाई दे रहा है? एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। ओके, आई थिंक सबको ठीक आ रही है। ओके, यस,
हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होगा, हमेशा कॉस्ट पे होगा, फेयर वैल्यू पे कभी नहीं होगा। कॉस्ट में तीन चीजें आएंगी, ठीक है ना, कॉस्ट में तीन चीजें आएंगी। पहला परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, दूसरा डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए। तीसरा 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 सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा इज डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये क्या चीज है इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनना, मैं इसको एग्जांपल में डिस्क्राइब करने वाला हूं, मैं इसको एग्जांपल में डिस्क्राइब करने वाला हूं। डीकमीशनिंग, दूसरा रीस्टोरेशन, दूसरा डिसमेंटलिंग, ये अलग अलग नाम है, ये अलग अलग नाम है। सर ये है क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक लैंड को लीज पर लिया। कितने साल के लिए लीज पर लिया? मैंने एक लैंड को 50 ईयर्स के नॉन रिन्यूएबल लीज पर लिया। नॉन रिन्यूएबल लीज का मतलब मैं 50 ईयर्स के बाद इसको रिन्यू नहीं करवा सकता। मैंने एक लैंड लिया 50 ईयर्स के नॉन रिन्यूएबल लीज पर, उस लैंड पर मैंने अपना प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया, हैवी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया, करोड़ों का प्लांट एंड मशीनरी मैंने इंस्टॉल किया, मैंने अपना फैक्ट्री डेवलप किया और मैंने उस पर अपना बिजनेस करना शुरू किया, राइट? मैंने अपना फैक्ट्री इंस्टॉल किया टुडे, पीपीई इंस्टॉल्ड, जो भी यहां पर कॉस्ट आया होगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ पीपी होगा। अब मैं जानता हूं कि मैं इस लैंड पे काम कर पाऊंगा 50 ईयर्स तक, तो 50 ईयर्स के बाद, 50th ईयर पे, 50 ईयर्स के बाद मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है। क्या लायबिलिटी? क्योंकि मेरा लीज एग्रीमेंट किया हुआ है, तो एग्रीमेंट के अनुसार मेरी लायबिलिटी यह है कि मुझे प्लांट एंड मशीनरी को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, मुझे प्लांट एंड मशीनरी मतलब पीपीई को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, और लैंड को मुझे पूरा रीस्टोर करके, रीस्टोर समझते हो, लैंड मैंने जिस हालत में लीज पर ली थी उसी हालत में मुझे लैंड को वापस करना है, मतलब मुझे जगह खाली करनी है और मुझे अनइंस्टॉलेशन करना है। अनइंस्टॉल करके मुझे वापस से लैंड उसी कंडीशन में देनी है जिस कंडीशन में मैंने लीज पर ली थी। तो उस टाइम पे मैं जानता हूं, मैं ये 100% जानता हूं कि 50 साल के बाद, क्योंकि मुझे खाली करना पड़ेगा, रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, प्लांटर मशीनरी को हटाना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगा, उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा। इसको कहते हैं डीकमीशनिंग। एक होता है कमीशनिंग, एक होता है डीकमीशनिंग। का डीकमीशनिंग मतलब एक तरीके से अनइंस्टॉलेशन। तो डीकमीशनिंग हम कर रहे हैं और डीकमीशनिंग का कॉस्ट, यहां पर बैठ के मुझे डीकमीशनिंग का कॉस्ट एस्टीमेट करना है कि यार 50 साल बाद कितना खर्चा आएगा। मान लीजिए मैंने एस्टीमेट किया कि 50 साल बाद 50 करोड़ का खर्चा आएगा, 50 करोड़ का। अब ये 50 करोड़ का खर्चा तो 50 साल बाद आएगा, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, मान लीजिए उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है 7 करोड़, मान लीजिए उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 7 करोड़। तो जो ये 7 करोड़ है, ये जो 7 करोड़ है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई, इट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई, यस इट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई। तो पीपीई की कॉस्ट में तीन चीजें आएंगी, पहला परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, दूसरा डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में तो बहुत सारे आइटम आ सकते हैं। यस, आपको ध्यान रखना है वो सारे एक्सपेंसेस जो आपकी असेट को रेडी टू यूज करने के लिए लगते हैं, इसको लिख लेना प्लीज, वो सारे एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल में जो आपकी असेट के को रेडी टू यूज लाने की कंडीशन में जरूरी है, रेडी टू यूज, रेडी टू यूज, रेडी टू यूज की कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे जरूरी हैं, रेडी टू यूज की कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जो एक्सपेंसेस जरूरी हैं, उन एक्सपेंसेस को हम डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंस में डालेंगे। और तीसरा डीकमीशनिंग। अब डीकमीशनिंग में मैं मानता हूं कि आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे कि सर डीकमीशनिंग कॉस्ट, आपने मान लीजिए इनिशियली एस्टिमेट किया कि 50 करोड़ का खर्चा आएगा, ठीक है ना, 50 करोड़ का खर्चा आएगा, और आपने उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला किसी डिस्काउंटिंग रेट पर 7 करोड़, हमने 7 करोड़ का डाल दिया। सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग 43 करोड़? बेटा हर साल एट एवरी ईयर आप सेम डिस्काउंटिंग रेट पर इस 7 करोड़ के ऊपर क्यूमुलेटिव बेसिस पर इंटरेस्ट फाइनेंस चार्जेस निकालते जाओगे, विच इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज दिस 43 करोड़ फॉर 50 ईयर्स
फॉर इंटायर 50 इयर्स दिस 43 करोड़ विल बी अपोर्शनड एज फाइनेंस चार्जेस और वो हर साल आपके पीएनएल में जाएगा. मतलब आपके पीपीई की कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फिगर आएगा, बाकी का जो 43 करोड़ है वो एक्चुअली आपके हर साल फाइनेंस चार्जेस के नाम से शो होता जाएगा हर साल पीएनएल में, और आपकी लायबिलिटी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती जाएगी. इनिशियली 7 हो गई, 7 के बाद 10, 12, 13, 14 ऐसे करते करते आपका एक प्रोविजन क्रिएट होता जाएगा. आगे चल के वो 50 करोड़ का प्रोविजन क्रिएट होगा, जब 50th ईयर हो जाएगा तो उस प्रोविजन से अपन पेमेंट कर देंगे. आई बात समझ में? अब आपके सवाल, आपके जहन में कुछ और डाउट्स आ सकते हैं कि सर मान लीजिए आगे चल के ये हमारा एस्टीमेट बदल गया, तो अभी हमने एस्टीमेट सोचा है 50 करोड़, मान लीजिए सर 15 साल बाद हमारा एस्टीमेट बदल गया तो 50 करोड़ नहीं होगा सर, 70 करोड़ होगा. 70 नहीं होगा सर, 50 नहीं होगा सर, 30 करोड़ होगा. सर मान लीजिए हमारा एस्टीमेट बदल गया तो क्या करेंगे? मान लीजिए सर हमारा डिस्काउंटिंग रेट बदल गया तो क्या करेंगे? मान लीजिए सर 50 साल की लीज है पर मान लीजिए हमें लगता है कि 40 साल के बाद ही हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे? तो देयर मे बी सम चेंज इन आउटफ्लो, फ्यूचर आउटफ्लो, चेंज इन डिस्काउंटिंग रेट. उसका क्या होगा? उसका मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा. उसका सबसे लास्ट में एक चार्ट भी है, चेंज इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी. तो ये सबसे लास्ट में उसका एक चार्ट है, मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस नहीं करूंगा. तो मुझे बताइए कि अभी तक आपको कोई डाउट आया? मैं 2 मिनट के लिए चैट को इनेबल कर रहा हूं. इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर. टेल मी गाइस, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो. If animals kept for sale, then Ind AS 2 लगेगा? Yes. If animals kept for sale, then Ind AS 2 लगेगा. जैसे puppies, doggy, dog, आप mating के लिए रखते हो ताकि puppies ग्रो हो और आप उनको आगे चल के बेचोगे, तो AS 2 लगेगा, Ind AS 2 लगेगा. बेटा कनिका क्वेश्चन तो मैंने पहले से ही बोला हुआ है, मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, सॉरी. प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग बैलेंस शीट में पीपीई से नेट होके दिखाएगा क्या? नहीं. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. क्या सर प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग जो आप बना रहे हो, ये जो 7 करोड़ का आपने बनाया फिर हर साल वो बढ़ता जाएगा, सर ये प्रोविजन कहां दिखेगा? वो लायबिलिटी साइड में दिखेगा. वेरी गुड क्वेश्चन. सर डीकमिशनिंग को एग्जाम्पल के थ्रू बता दीजिए. डीकमिशनिंग का एग्जाम्पल, ओरिजिनल एग्जाम्पल सुनिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टेलीकॉम कंपनी हूं और टेलीकॉम कंपनी को अपने टावर्स एक सिटी में इंस्टॉल करने. अब सिटी में टावर्स ऐसी वैसी जगह तो इंस्टॉल हो नहीं सकते, पब्लिक प्लेस पे तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वोल्ट की पावर होती है. तो मान लीजिए एक कंपनी ने डिसाइड किया रिलायंस को बहुत सारे टावर्स लगाने हैं पुणे सिटी में, तो रिलायंस ने पब्लिक को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया, बोला गया कि आपकी छतों पर, आपके रूफ पे हम टावर्स लगाना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपको किराया देंगे, हम आपको रेंट देंगे, और 10 साल बाद हम इन टावर्स को अनइंस्टॉल कर देंगे. 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद हम इनको अनइंस्टॉल कर लेंगे. मतलब रिलायंस आज ही मुझे कमिटमेंट कर रहा है कि मेरे बिल्डिंग पे वो टावर लगाएगा और वो 10 साल बाद उसको अनइंस्टॉल करेगा. तो अनइंस्टॉल करने का जो खर्चा आएगा उसका, वो होगा डीकमिशनिंग. सर बियरर प्लांट कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर रिलायबली, देन हाउ कैन वी रिकॉर्ड देम? इफ द कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर रिलायबली देन यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट. तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, फिर आप सिंपल सा डिस्क्लोजर दोगे कि ये बियरर प्लांट है, इसकी कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, हम इसलिए सिर्फ डिस्क्लोज कर रहे हैं. ठीक है, भावना है ना. विल इंटरेस्ट पेड ऑन लोन कैन बी इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट? विल इंटरेस्ट पेड ऑन लोन विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट? संजय खंडेलवाल, आपने ये डाउट पूछा है इंड एस 23 बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड. तो यस, अगर बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड डाउट पूछा है, तो अगर आपने पीपीई को खरीदने के लिए कोई लोन लिया है तो वो उसका इंटरेस्ट आपका कवर होगा इंड एस 23 में, तो हम उस टाइम पे बात करेंगे कि वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए पूरा इंड एस पढ़ना पड़ेगा.
श्री कृष्णा सेम क्वेश्चन बोरिंग कॉस्ट का है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा इंडेस 23 में। विच ऑल कॉस्ट विल बी कंसिडर टू बी परचेस कॉस्ट इन केस ऑफ इंपोर्टेशन। इन केस ऑफ इंपोर्टेशन तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह आ जाएगा। मैंने बोला ना आपको असेट को रेडी टू सेल तक की, रेडी टू यूज तक की कंडीशन को लाने के लिए, रेडी टू यूज तक की कंडीशन को लाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आएंगे। वी विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट विल बी एडेड टू इट। प्रोविजन आपका इंटरेस्ट के थ्रू बढ़ता जाएगा। मतलब इनिशियली व्हाट यू हैव टू डू विद दिस 7 crore, यू विल मेक एन एंट्री लाइक पीपी अकाउंट डेबिट 7 टू प्रोविजन 7। नाउ एवरी टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो व्हाट एंट्री यू हैव टू पास, इंटरेस्ट पीएनएल टू प्रोविजन, सिंपल। विच बियरर प्लांट कैन बी रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैंड खरीदा, आपने एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, वहां पर ऑलरेडी कुछ प्लांट पहले से ही प्लांट वहां पर हैं, ठीक है ना, कुछ पेड़ ऑलरेडी हैं, आपने उनका भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किया है क्योंकि वो प्लांट से ही आपका प्रोडक्शन होगा, तो आपने उनके लिए कॉस्ट पे किया है, तो यू हैव टू शो देम एज एन असेट। भावना, कंसेप्ट रिलेटेड टू इंड एस 12 ऑल्सो डिस्कस। लेबर कॉस्ट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ पीपी विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, यस इंक्लूडेड। चलो आई थिंक शायद आपके मेजरली डाउट्स बार बार रिपीटेशन कर रहे हो आप, मुझे लगता है आप वही वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो। तो हाउ टू आइडेंटिफाई बियरर प्लांट, हाउ टू आइडेंटिफाई बियरर प्लांट मीन्स, मैं इसका इसका सिंपल सा जवाब यह है कि बेटा आप किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कंडीशन चेक करोगे, क्या आप उसको यूज करते हो और क्या उसकी यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा है। अब आप बोल रहे हो हाउ टू आइडेंटिफाई, देयर इज अ सिंपल आंसर, जितने भी पेड़ होते हैं क्या वो आपको प्रोडक्शन करके देते हैं, yes, तो ये मेरा प्लांट बियरर प्लांट है। अब मुझे इसमें दो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, क्या कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली है कि नहीं है, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। राइजिंग स्टार, ठीक है। तो डीकमिशनिंग को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि यू हैव एस्टिमेटेड कि मेरा 50 crore का खर्चा होगा, इनिशियली आपने उसको 7 crore पर बुक कर लिया, 7 crore तो आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 43 crore, रिमेनिंग 43 crore विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट, एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका डिस्काउंटिंग रेट था 10%, तो फर्स्ट ईयर आपने 7 crore का 10%, मतलब 70 lakh विल बी द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर द सेकेंड ईयर 7 crore 70 lakh, क्योंकि आपने एंट्री किया 70 lakhs, तो अब आपका प्रोविजन कितना हो गया, देखो 7 crore और 70 lakhs, तो आपका प्रोविजन हो गया 7 crore 70 lakh। अगले साल आप 7 crore 70 lakhs के ऊपर 10% निकालोगे, ऐसे करते करते आपका इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, ठीक है। कस्टम वेयरहाउस का खर्चा भी ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा, बिल्कुल होगा। ओके, नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर, क्योंकि कुछ डाउट्स रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद रिपीटेड डाउट्स हैं, अगर बच्चे इस लेक्चर को बाद में भी देखेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा, पीपी की डेफिनेशन पढ़ी, दूसरा रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया पढ़ा कि हमें पीपी को रिकॉर्ड कब करना चाहिए, तीसरा हमने पढ़ा कि रिकॉग्निशन हमें कॉस्ट पे करना चाहिए, तो कॉस्ट में कितनी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं सबसेक्वेंट मेजरमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं सबसेक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या पीपीई के ऊपर आप एक बार पीपी आपका रिकॉर्ड हो गया, एक साल बाद, दो साल बाद, हो सकता है आप उसके ऊपर सबसेक्वेंटली एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो उस एक्सपेंडिचर को मुझे पीएनएल में ले जाना है कि मुझे उसको कैपिटलाइज करना है। अगर डे टू डे सर्विस कॉस्ट है, लाइक रिपेयरिंग, डे टू डे सर्विस कॉस्ट, जिससे एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही, जिससे मेरे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज नहीं हो रहे, मेरे एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वही के वही है, सिर्फ डे टू डे सर्विस कॉस्ट है, तो वो हमेशा पीएनएल में जाएंगे वो खर्चे। हाँ, पर अगर आप कुछ मेजर रिप्लेसमेंट करते हो, पीपीई के किसी पार्ट का मेजर रिप्लेसमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट, नाउ एयरक्राफ्ट इज अ पीपी, अंडरस्टूड, यस। नाउ एयरक्राफ्ट के अलग अलग कॉम्पोनेंट होते हैं, जैसे इट इज इंजन, लेट अस से इंजन हैज अ 10 ईयर्स ऑफ लाइफ,
फर्नीचर एंड फिक्सचर, लेट अस से फर्नीचर एंड फिक्सचर हैज 5 years ऑफ लाइफ, एंड अदर बॉडी, अदर बॉडी से अदर बॉडी हैज 20 years ऑफ लाइफ. नाउ सपोज आफ्टर 5 years यू हैव टू रिप्लेस द फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ इंटायर एयरक्राफ्ट, वॉट यू विल डू? After 5 years, you have to make the replacement, na? So this will become the major replacement cost. And in that case, आपका जो ये होगा यहां पर replacement and major inspection. ऐसे case में आपका जो ये replacement है and major inspection, ये आपका capitalize होगा. तो capitalize if the recognition criteria meets. ये बोल रहा है recognition criteria अगर meet out होगा. अब इसमें सुनना, एक example समझना. मान लीजिए जब आपने एयरक्राफ्ट परचेज किया था तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी से 250 crores. एयरक्राफ्ट आपने परचेज किया जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 250 crores. आपने एयरक्राफ्ट को बुक कर लिया एज एन एयरक्राफ्ट, राइट? अब इसके आप जानते हो कि इसके 3 components हैं. आपको मैं बता दूं, डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए इंड एएस 16 बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन आपको एयरक्राफ्ट को या आपको पीपीई को अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा. आपको यह सोचना पड़ेगा कि इंजन की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए 250 करोड़ में, तो आउट ऑफ 250 व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ इंजन, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ अदर बॉडी पार्ट, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट यूजफुल लाइफ, सो द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज डिफरेंटली. अंडरस्टूड और नॉट? सो टेक्निकली फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी डेप्रिशिएटेड अकॉर्डिंगली इन द 5 years. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर एंड फिक्सचर को मैंने 50 crores में अलॉट किए. आउट ऑफ 250 crores आई हैव अलॉटेड 50 crores टू द फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड आई हैव एस्टिमेटेड द लाइफ एज 5 years. सपोज SLM डेप्रिसिएशन डाल रहा हूं, सपोज अब SLM के अकॉर्डिंग 10 crores हर साल होगा, ठीक है? तो 50 divided by 5 10 crores एवरी ईयर. मान लीजिए किसी रीजन से मुझे फोर्थ ईयर में ही फर्नीचर एंड फिक्सचर को रिप्लेस करना पड़ रहा है. फोर्थ ईयर के एंड में, जब फोर्थ ईयर के एंड में रिप्लेस कर रहा हूं तो इस एग्जिस्टिंग फर्नीचर एंड फिक्सचर का कुछ ना कुछ कैरिंग अमाउंट है. मैं जानता हूं 10 करोड़ कहीं ना कहीं पूरे एयरक्राफ्ट में फर्नीचर एंड फिक्सचर आज भी 10 करोड़ का दिख रहा है क्योंकि 4 साल हो चुके हैं, 40 करोड़ का डेप्रिसिएशन लग चुका है. तो जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है 10 करोड़, उसको मुझे डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैं चौथे साल के एंड में ही मैं नया खर्चा करके नया फर्नीचर एंड फिक्सचर ला रहा हूं. तो यहां पर लिखा हुआ है, सी दिस, पहला तो लिखा हुआ है कैपिटलाइज इफ द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट. कैपिटलाइज क्या? जो आप न्यू कॉस्ट करोगे, न्यू कॉस्ट. और दूसरा, प्रीवियस कैरिंग अमाउंट इफ एनी डी रिकॉग्नाइज, प्रीवियस कैरिंग अमाउंट इफ एनी डी रिकॉग्नाइज. ऐसे केस में फर्नीचर एंड फिक्सचर का जो प्रीवियस कैरिंग अमाउंट होगा आप उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे. अब याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आरटीपी का क्वेश्चन है और एक आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ठीक है ना? एक स्टडी मैट का क्वेश्चन है जहां पर हम प्रीवियस वाले को डी रिकॉग्नाइज करते हैं. उस पे उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, 5 marks का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इस पे जो क्वेश्चन उन्होंने SM पर दिया हुआ है वो जरूर करके जाना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा. तो मैंने आपको बोला कि आप अगर कोई भी मेजर रिप्लेसमेंट करते हो, ठीक है ना, मेजर रिप्लेसमेंट करते हो किसी कॉम्पोनेंट का, किसी पार्ट का, तो ऐसे केस में अगर उस पुराने वाले ओरिजिनल कंपोनेंट की कोई भी कैरिंग अमाउंट बची हुई है तो उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो. डी रिकॉग्नाइज करना मतलब सर उसको राइट ऑफ करना पीएनएल में. तो जो 10 करोड़ रुपए मेरे ओल्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर के रखे मैं उनको पीएनएल में राइट ऑफ करूंगा, एंट्री करूंगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एयरक्राफ्ट 10 करोड़ से, ठीक है ना? क्योंकि अल्टीमेटली वो एयरक्राफ्ट के नाम पर दिख रहा है. और मैं नया फर्नीचर एंड फिक्सचर जो मैं लेके आया सपोज 70 करोड़ का, तो मैं उसको डेबिट करूंगा एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 70 करोड़. गाइज अंडरस्टूड और नॉट? So, if you are doing major replacement cost और major inspection cost, अब ये major inspection क्या होता है? Major inspection, for example, आपका हर 3-3 साल में aircraft का inspection करवाना जरूरी है because of the aviation rules. Because of the aviation ministry rules, आपको every 3 years में अपने aircraft को inspection करवाना जरूरी है, जिसका एक heavy cost होता है. आप उस हैवी कॉस्ट को भी कैपिटलाइज कर सकते हो क्योंकि पिछली बार 3 साल पहले वो इंस्पेक्शन हुआ था, आपने पिछले 3 साल में उनको राइट ऑफ कर दिया होगा, अमोर्टाइज कर दिया होगा, अब नया कॉस्ट आप फिर से बुक करोगे, उसको कैपिटलाइज करोगे. सो याद रखिएगा. सो अगर डे टू डे कॉस्ट है चार्ज टू पीएनएल, बट अगर मेजर रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, मेजर इंस्पेक्शन है जिससे आपको लगता है कि 12 महीने से ज्यादा पीरियड तक आपको उससे यूज होगा, एक्सपेक्टेशन है कि आपको 12 महीने से ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसे केस में आप उसको इस 2 स्टेप में, पहला जो नया कॉस्ट कर रहे हो उसको कैपिटलाइज कर लो, जो आपका पुराना कैरिंग अमाउंट बचा हुआ है उसी कंपोनेंट का उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो पीएनएल में.
चलिए अब इसी के साथ आते हैं अपन डेप्रिसिएशन, जो सेम पॉइंट पर आता है। जब भी तुम डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे अपनी पीपीई के ऊपर, तो इंड एएस 16 कहता है कि हो सके जितना हो सके पीपीई के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बना लो। अब कुछ बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, जैसे मैंने एयरक्राफ्ट परचेज किया तो एयरक्राफ्ट के तीन कॉम्पोनेंट है, इंजन, फर्नीचर एंड अदर बॉडी। जब मैं एंट्री पास करूंगा एयरक्राफ्ट की तो मैं एंट्री पास करूंगा एयरक्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 250 crores जब मैंने परचेज किया। बच्चे सोचते हैं नहीं, अच्छा एंट्री करेंगे इंजन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर फिक्चर अकाउंट डेबिट, अदर बॉडी अकाउंट। दिस इज जस्ट फॉर द डेप्रिसिएशन, नॉट फॉर द प्रेजेंटेशन। सो कंपोनेंट अलग अलग करके दिखाने हैं ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। आपके बैलेंस शीट में वो दिखेगा एयरक्राफ्ट, वो दिखेगा एक सिंगल पीपी, बट फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन यू हैव टू डिवाइड द पीपी इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, बिकॉज ऑल द अदर डिफरेंट ऑल द कंपोनेंट्स आर हैविंग डिफरेंट यूजफुल लाइफ। All the components are having different useful life. तो हर component की different useful life होती है, इसी reason से हम उसको अलग 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 depreciate करेंगे on component wise basis based on the estimated useful estimated life of component. तो अच्छा सर क्या ये मुझे हर type की PPE के ऊपर करना है? नहीं, ऐसे पीपी जिनके डिफरेंट कंपोनेंट किए जा सकते हैं, पर ऐसा पीपी जिसका कोई डिफरेंट कंपोनेंट हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे पास एक ट्रक है, मेरे पास कार है, मेरे पास ट्रक और कार है, इसके मैं डिफरेंट कंपोनेंट नहीं कर सकता। बट मान लीजिए मैंने एक मॉल बनवा के रखा है, मेरी कंपनी का एक मॉल है, रिलायंस का एक मॉल है। अब रिलायंस का इतना बड़ा सारा मॉल है तो उस मॉल को वो क्या सिंगल असेट दिखाएगा? मे नॉट बी। हो सकता है वो उस मॉल को सिंगल असेट दिखाने के बावजूद डेप्रिशिएट करते टाइम हो सकता है वो लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट अलग लगाए, क्योंकि उनकी यूजफुल लाइफ अलग होगी। जो कंस्ट्रक्शन पोर्शन होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वो अलग लगाए क्योंकि उनकी यूजफुल लाइफ अलग होगी। अंडरस्टूड और नॉट? एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेप्रिसिएशन मेथड। अच्छा नाउ पहली पॉइंट, आप डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे लगाओगे? कंपोनेंट बेसिस पे। दूसरी पॉइंट, डेप्रिसिएशन मेथड को आपको रिव्यू करना है कि जो आपने बैलेंस शीट डेट पर कि आपने जो एसएलएम का मेथड चूज किया था क्या वो अभी भी सही है, क्या हम उसको अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं कि हमें चेंज करना चाहिए। हमने किस बेसिस पे चूज किया था कि यार मुझे हर साल बेनिफिट सेम मिलेगा, क्या आज भी वही एस्टिमेशन है? ओके, तो कोई नहीं। तो हर ईयर के एंड में जो भी आपने डेप्रिसिएशन का मेथड सिलेक्ट किया हुआ है उसको रिव्यू करना जरूरी है। एवरी ईयर एंड आपको रिव्यू करना जरूरी है। तीसरा, इफ एनी चेंज अराइज देन इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मान लो रिव्यू करने के ऊपर आपको लगा कि यार मेरा एसएलएम मेथड ठीक नहीं है, नाउ आई हैव टू चेंज इट टू डब्ल्यूडीबी, इट विल बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। याद रखेगा हमेशा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा और उसका आपको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। अब इसके भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे कि अगर मान लीजिए ओरिजिनली असेट खरीदा था, 10 साल का लाइफ था, आपने 4 साल तक एसएलएम लगाया, रिमेनिंग 6 साल बचा, अब आप डब्ल्यूडीबी लगा रहे हो और डब्ल्यूडीबी के बेसिस पर आपने यूजफुल लाइफ भी चेंज कर दिया, तो बताइए क्या होगा? आपका जो भी कैरिंग अमाउंट आ रहा है उसको आप फर्दर डेप्रिशिएट करोगे, पीछे जाके आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या पीपीई को मुझे डेप्रिसिएशन हमेशा करना है? सुनिए, पीपीई को डेप्रिसिएशन कब से शुरू करना है? जब से वो रेडी टू यूज हुआ। यस yes. जब से आपका पीपीई रेडी टू यूज हो गया, रेडी टू यूज नॉट एक्चुअली यूज। मान लीजिए आपका पीपीई रेडी टू यूज हुआ 1 जनवरी को, पर आपने एक्चुअली यूज किया 1 फरवरी को, आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 1 जनवरी से। रेडी टू यूज नॉट एक्चुअली यूज, तो आपने एक्चुअल यूज किया 1 फरवरी से पर रेडी हो चुका था 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी से डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा। कब तक लगेगा? जब तक आप उसको यूज कर रहे हो। व्हाट इज दिस? सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बंद कर दो, डेप्रिसिएशन अब नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेप्रिसिएशन अब नहीं लगाएंगे। कब नहीं लगाएंगे? जब दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला, जब उसका रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो चुका है। जब उसका रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो चुका है, रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो चुका है, समझना, जब उसका रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो चुका है। या दूसरा, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर सेल। आपने अपनी पीपीई को रिटायर कर लिया, मतलब नाउ योर पीपीई इज नॉट बीइंग यूज्ड एक्टिवली इन योर बिजनेस,
अब आपकी पीपी आपके बिजनेस में यूज नहीं होती और आप वेट कर रहे हो कि कब हम उसको बेचेंगे, मतलब आपने अपनी पीपीई को हेल्ड फॉर यूज कैटेगरी में डाल दिया, मतलब एज सून एज आपने उसको हेल्ड फॉर यूज कैटेगरी में डाल दिया आप लगाओगे इंड एएस 105, आप लगाओगे इंड एएस 105, अंडरस्टूड और नॉट? और डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपी, सर दोनों में क्या मतलब है? ये बोल रहा है अर्लियर, दोनों में बोल रहा है अर्लियर। सी, मैं अपनी असेट को अपने बिजनेस में यूज करना बंद कर चुका हूं और मैं अब बेचने वाला हूं, बस आज ही डिसाइड कर लिया। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 3 जुलाई, 3 जुलाई को मैंने अपनी असेट को यूज करना बंद कर दिया और मैं अब अपनी असेट को बेचना चाहूंगा, मैं आने वाले टाइम में उसको बेचूंगा। ऑन 3rd जुलाई आई डिसाइडेड, तो अब मैं डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दूंगा 3rd जुलाई से लेकर, मतलब 2nd जुलाई तक ही मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा अपनी असेट के ऊपर। दूसरा, और डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपी, डी रिकॉग्निशन मतलब मान लीजिए मैंने अपनी असेट अपनी पीपीई को सेल भी कर दिया, तो दोनों में से जो पहला इवेंट हो जाए, आपने डी रिकॉग्नाइज मतलब आपने सेल कर दिया या फिर आपने हेल्ड फॉर सेल कर दिया, विच एवर इज अर्लियर। सीधी बात है, दूसरी वाली कंडीशन तो ऐसा है कि आपने उसको बेच ही दिया तो अब आप डेप्रिसिएशन क्यों लगाओगे, तो दूसरी वाली कंडीशन का कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट यह है कि जैसे ही आपने अपनी असेट को हेल्ड फॉर सेल बना लिया, आपके बिजनेस में यूज नहीं होती, हेल्ड फॉर सेल है, इंडेस 105 लग गया और इंडेस 105 बोलता है कि अब आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हो, या फिर दूसरा एज सून एज व्हेन द सॉरी आरवी को मैंने गलती से रिकवरेबल अमाउंट बोल दिया, आरवी मतलब रेसिडुअल वैल्यू, मैंने आरवी को रिकवरेबल अमाउंट बोल दिया, रेसिडुअल वैल्यू, जब उसकी कैरिंग अमाउंट उसकी रेसिडुअल वैल्यू तक पहुंच चुकी है, मैं गलती से रिकवरेबल अमाउंट बोल गया, वो गलती हो गई मेरी, तो जब कैरिंग अमाउंट अपनी रेसिडुअल वैल्यू के बराबर या आ जाए, रेसिडुअल वैल्यू के बराबर आ जाए, बस रेसिडुअल वैल्यू तक आ गई तो अब डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत ही नहीं। सो गाइस आई थिंक आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कौन से दो पॉइंट? सबसेक्वेंट एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन, राइट? तीसरा, मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट। सी, शुरुआत कहां से की थी? सबसे पहले पीपीई क्या होता है, दूसरा चलो पीपीई ये होता है समझ में आ गया, क्या पीपीई को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखा, चलो रिकॉर्ड कितने पे करना है शुरू में, कॉस्ट पे, चलो रिकॉर्ड कर लिया, अब क्या करें, रिकॉर्ड करने के बाद आगे चल के उसके ऊपर खर्चे किए, सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर, चलो ठीक है उसका भी समझ लिया, अब ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, चलो डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट डेट में जो उसकी रिमेनिंग वैल्यू दिख रही है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग जो वैल्यू दिख रही है उसको क्या करना है, हम उसको बैलेंस शीट डेट पे किस वैल्यू पे मेजर करें, इट इज कॉल्ड मेजरमेंट, मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट। सो आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहला कॉस्ट मॉडल, दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। अब इसमें याद रखिएगा, एंटिटी खुद अपने डिस्क्रिशन पे दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अवेल कर सकती है, बट अगर एंटिटी, अच्छा एंटिटी ये भी कर सकती है कि डिफरेंट असेट्स पे डिफरेंट मॉडल भी तैयार कर सकती है, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग पे मैंने कॉस्ट मॉडल बना लिया, सॉरी रिवैल्यूएशन मॉडल बना लिया, और प्लांट एंड मशीनरी पे मैंने कॉस्ट मॉडल बना लिया, सो इन डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स देयर कैन बी डिफरेंट मॉडल्स, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट मॉडल, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल, बट मैंने बोला डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स नॉट इंडिविजुअल असेट्स। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 लैंड एंड बिल्डिंग्स, आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन लाइक कि मैं 3 के ऊपर कॉस्ट मॉडल लगा लूं और 2 लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर रिवॉल्यूशन मॉडल लगाऊं, अगर मुझे रिवॉल्यूशन लगाना है तो 5 के ऊपर, अगर मुझे कॉस्ट लगाना है तो 5 के ऊपर, इंटायर क्लास ऑफ असेट पे या तो रिवॉल्यूशन मॉडल या तो कॉस्ट मॉडल। अब प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग अलग अलग क्लास ऑफ असेट होता है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, तो प्लांट एंड मशीनरी जितनी भी हैं उनके ऊपर या तो कॉस्ट या तो रिवॉल्यूशन, लैंड एंड बिल्डिंग जितनी भी हैं या तो कॉस्ट या तो रिवॉल्यूशन, फर्नीचर एंड फिक्चर डिफरेंट क्लासिफिकेशन, व्हीकल डिफरेंट क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, पॉसिबल है आईवासन में, तो सब क्लासिफिकेशन वाइज भी आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज कॉस्ट मॉडल? कॉस्ट मॉडल इज सिंपल, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट, कभी भी अगर आप इंपेयरमेंट लगाओ इंडेस 36 के अकॉर्डिंग। व्हाट इज रिवैल्यूएशन मॉडल? रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब एट बैलेंस शीट डेट यू हैव टू मेजर द असेट एट फेयर वैल्यू, मेजर द असेट एट फेयर वैल्यू,
और फेयर वैल्यू पे मेजर करने के बाद सब्सिक्वेंटली अगले साल आप उसके ऊपर फिर से डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, आप इंपेयरमेंट कर सकते हो। बट रिवोल्यूशन मॉडल क्या होता है, फेयर वैल्यू पे मेजर करना होता है। आई बात समझ में? रिवोल्यूशन मॉडल क्या बोलता है, अपवर्ड रिवोल्यूशन डाउनवर्ड रिवोल्यूशन, अपवर्ड रिवोल्यूशन डाउनवर्ड रिवोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज योर मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट, दिस इज योर मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर बेटा? सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि असेट ओरिजिनली आपने इनिशियल रिकॉग्निशन किया कॉस्ट पे, फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया, फिर डेप्रिशिएट किया, फिर बैलेंस शीट डेट पे आया, और बैलेंस शीट डेट पर आके आपने कॉस्ट मॉडल लगाया या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया। अंडरस्टूड गाइस? अब रिवैल्यूएशन में क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, हम रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे। रिवैल्यूएशन करने के दो तरीके, रिवैल्यूएशन करने के दो तरीके बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट, व्हाट इज दिस ग्रॉस एंड नेट? ये ग्रॉस और नेट क्या होता है, ये ग्रॉस और नेट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। रिवैल्यूएशन ग्रॉस और नेट किस तरीके से होता है, इसको मैं इधर बना देता हूं। मान लीजिए ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको एग्जांपल को लिख लीजिएगा, है 3 लाख, एंड आज फेयर वैल्यू है 8,50,000, 8,50,000। सबसे पहले नेट मेथड, मैं अपनी असेट को अगर रिवैल्यू करना चाहता हूं, माय असेट इज बीइंग शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट एंड सेपरेटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज बीइंग शोन एट 3 लाख। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड आई डू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म कर दो अपनी पीपीई से। नाउ माय असेट कम्स टू 7 लाख, जैसे ही मैंने ये एंट्री पास किया, मुझे अपनी असेट को रिवैल्यू करना है, मेरी असेट रिवैल्यूएशन मॉडल में है और मैं अपनी असेट को रिवैल्यू करना चाहता हूं 850 के ऊपर, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट चाहने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दो पीपीई से। नाउ मेरी पीपीई की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 7 लाख, फेयर वैल्यू कितना है, 8.5 लाख। सिंपली क्या करोगे, पीपीई अकाउंट डेबिट 1.5 टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, पीएनएल में नहीं जाएगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है 1.5। दिस इज योर नेट अप्रोच, जो हमेशा हम शायद पहले कभी देखा होगा, हमेशा जनरली देखा होगा, देखा तो दूसरा भी होगा, ठीक है। दूसरा ग्रॉस अप्रोच, दूसरा ग्रॉस अप्रोच। ये ग्रॉस अप्रोच क्या होता है, ग्रॉस अप्रोच का मतलब होता है कि मैं अपनी असेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स नहीं करूंगा, माय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शुड बी कंटिन्यूड, ओके, नॉट एन इश्यू, नो नीड टू रिवर्स, नो नीड टू रिवर्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, कोई बात नहीं, एटलीस्ट रीवैल्यूएशन गेन तो हमें पता है ना कि 1.5 लाख है, इसको मैं कैसे करूंगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 7 लाख, मेरा ये रिवैल्यूएशन कितने पे हुआ भाई, असेट की ओरिजिनली कैरिंग अमाउंट तो 7 लाख है ना, भले मैं अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स नहीं भी करूं, मन की आंखों से देखूं, अल्टीमेटली 7 लाख तो मुझे दिख ही रहा है ना, तो 7 लाख और 8.5 है, तो ये 1.5 का गेन किसके ऊपर हुआ, 7 के ऊपर हुआ, तो ये कितना परसेंटेज से बढ़ गया, 1.5 डिवाइडेड बाय 7, ये बढ़ गया 21.43% अप्रोक्स इंक्रीज। नाउ व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ओरिजिनल कॉस्ट जो 10 लाख रुपीस की है उसको इंक्रीज करूंगा 21.43% से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब आपको करना भी है, ऐसा नहीं बस सुनते रहो बाद में आपको ये बोलो कि सर हमने तो करके नहीं देखा, आप बताओ आगे के फिगर्स क्या होंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख प्लस 21.43%, आपकी असेट कितनी हो गई, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया, ठीक है।
10 लाख प्लस 21.43%, तो ये हो गई 121,430. इसमें राउंडिंग ऑफ एरर आ सकता है 364,290. कितने से आपकी इंक्रीज हुई, कितने से आपने इंक्रीज किया, 214,300. कितने से इंक्रीज हुआ, 64,300. ये 290 को मैं 300 कर रहा हूं, ठीक है ना. 64 मैं एंट्री क्या करूंगा, पीपीई अकाउंट डेबिट 214,300 टू एक्यूमुलेटेड डेप 64,300 टू रिवैल्यूएशन सरप्लस. सेम 150 ये. सो गाइस दिस इज योर ग्रॉस अप्रोच. सो इन दिस वे यू कैन मेक द रिवैल्यूएशन ट्रीटमेंट. अंडरस्टूड. ये तरीका है सर, कौन सा सच्चा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा झूठा है, ये मत पूछना. क्यों, ये एंटिटी के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो कैसा प्रेजेंटेशन करना चाहती है. अच्छा ग्रॉस मेथड ही होता है, बेटर ग्रॉस होता है. सर एंटिटी को कौन सा करना है, कौन सा मैंडेटरी है, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है. ठीक है, क्लियर बेटा. सो वापस आते हैं मेथड टेक्निक पे. तो टेक्निक में आपका ग्रॉस मेथड, नेट मेथड, एडजस्ट ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय परसेंटेज ऑफ चेंज. नेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शैल फर्स्ट बी रिटन ऑफ विद ओरिजिनल कॉस्ट, देन नेट कैरिंग अमाउंट शैल बी इंक्रीज डिक्रीज्ड. और ग्रॉस में परसेंटेज ऑफ चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला और ये एंट्री आपकी. अंडरस्टूड गाइस, क्लियर, समझ में आ गया. अच्छा रिवॉल्यूशन अपवर्ड के केस में रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाएगा, रिवॉल्यूशन डाउनवर्ड के केस में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. क्लियर गाइस, अंडरस्टूड. ये वाला पॉइंट क्लियर, तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर. सेकंड पॉइंट को मैं पेंडिंग कर रहा हूं, दो मिनट में सेकंड पॉइंट को पेंडिंग कर रहा हूं. मैं थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन. ट्रीटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन करने पर क्या ट्रीटमेंट होगा. इट मे बी गेन, इट मे बी लॉस. गेन मतलब अपवर्ड, लॉस मतलब डाउनवर्ड. गेन मतलब अपवर्ड, लॉस मतलब डाउनवर्ड. अगर आपने अपवर्ड रिवॉल्यूशन किया है और फर्स्ट टाइम किया है तो रिवॉल्यूशन सरप्लस में जाएगा, ठीक है, मतलब ओसीआई. और एक्सेप्शन इफ अर्लियर डाउनवर्ड देन दिस गेन शैल बी ट्रांसफर टू पीएनएल टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस. मान लीजिए इस बार आपका गेन आया है बट इससे पहले आपने सेम असेट को रिवैल्यू किया था, उस टाइम पे लॉस आया था और वो लॉस आपने पीएनएल में डाल दिया, क्योंकि लॉस को हमेशा पीएनएल में डालते हैं. आपने वो लॉस डाला था पीएनएल में, कितना, 2 लाख रुपए. इस बार आपका गेन आ रहा है, कितना, 3 लाख रुपए. तो आउट ऑफ 3 लाख टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस दैट इज 2 लाख यू हैव टू चार्ज टू पीएनएल एज इनकम. रिमेनिंग 1 लाख आपको रिवॉल्यूशन रिजर्व में डालना पड़ेगा. और मान लीजिए इस बार आपका गेन आ ही रहा है सिर्फ 1.5 का, तो पूरा का पूरा 1.5 पीएनएल में जाएगा, ठीक है. इन द केस ऑफ लॉस सेम, आपका प्रायोरिटी कहां, हमेशा पीएनएल में जाएगा. बट आपने सेम असेट को रिवैल्यू पहले भी किया था और आपके पास रिवॉल्यूशन सरप्लस रखा हुआ है, मतलब अर्लियर आपके पास गेन हुआ था, देन दिस लॉस शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट रिवॉल्यूशन सरप्लस. ये सिंपल सी पॉइंट है, ये पॉइंट हम आईपीसीसी डेज से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट आना चाहिए, ठीक है. अच्छा मैंने अब कर दी सेकेंड पॉइंट पेंडिंग. सेकेंड पॉइंट पेंडिंग क्यों किए, पहले इसको समझ लीजिए ध्यान से, फिर समझते हैं, ठीक है. सो मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन, लॉस होगा पीएनएल में जाएगा, गेन होगा रिवॉल्यूशन सरप्लस में जाएगा. अब सर ये रिवॉल्यूशन सरप्लस का क्या करेंगे, ये जो रिवॉल्यूशन सरप्लस हमारे पास आ गया है सर, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम अमोर्टाइज करके पीएनएल में डालें. बिल्कुल गलती मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना. यही मैं पढ़ा रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग. आपको करना क्या है, इक्वल टू एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन इफ पीपी बीइंग यूज्ड. पॉइंट ये है, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, थोड़ा सा मैं स्लो हो रहा हूं यहां पे. मैं यहां पर स्लो इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर इस क्रूशियल पॉइंट को डिस्कस करना है. आपके पास रिवैल्यूएशन गेन आ गया, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल आपका पीपीई का कैरिंग अमाउंट था 1 लाख 10 लाख, फेयर वैल्यू था 12 लाख, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हो गया, 2 लाख.
ठीक है, ये आपका कहां दिख रहा होगा, ये आपका दिख रहा होगा अदर इक्विटी के अंडर में। मुझे सोच सोच के बताओ कि फर्दर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ऑब्वियसली 12 लाख पे, क्योंकि अब आपने अपनी असेट को 10 लाख के असेट को 12 लाख पे कर दिया। नाउ फर्दर डेप्रिसिएशन अगर 12 लाख पे लगेगा तो इसका मतलब फर्दर ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा। ओरिजिनली आप डेप्रिसिएशन पे 10 लाख पे लगाते थे, अब आप 12 लाख पे लगाओगे तो डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा। अब अगर जो अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन आएगा, याद रखिएगा पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन आप पीएनएल में ले जाओगे। मान लीजिए आपका डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, 10% 10 लाख का कितना होता है 1 लाख, 12 लाख का कितना होता है 1,20,000, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आया 1,20,000। 1,20,000 का डेप्रिसिएशन आप पूरा का पूरा पीएनएल में ही चार्ज करोगे, एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट पीएनएल में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, पूरा का पूरा 1,20,000 विल बी चार्ज टू पीएनएल। कुछ लोग दिमाग चला रहे होंगे कि सर 1 लाख जाएगा पीएनएल में, 20,000 जाएगा रिवेल्यूशन सरप्लस से सेट ऑफ। नहीं, पूरा का पूरा 1,20,000 विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। अच्छा, नाउ टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर की वैल्यू आप रिवेल्यूशन सरप्लस अदर इक्विटी से निकाल, रिवेल्यूशन सरप्लस से निकाल के आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। रिवेल्यूशन सरप्लस आपका फ्री रिजर्व नहीं होता, आप 20,000 को फ्री कर दोगे, आप रिवेल्यूशन सरप्लस से निकाल के पीएनएल में जनरल रिजर्व में डाल दोगे रिटेन्ड अर्निंग में। तो ये पॉइंट वही लिखा हुआ है, ट्रांसफर रिवेल्यूशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। आपको थोड़ा 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 हर साल रिवेल्यूशन सरप्लस किस में डालना है, जनरल रिजर्व में डालना है। क्यों? एक्सेस डेप्रिसिएशन के कारण। हर साल आप एक्सेस डेप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज कर रहे हो, तो पीएनएल में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो आपका पीएनएल गिर रहा है, आपका प्रॉफिट ब्लॉक हो रहा है। उतने से ही आप अपना रिटेन्ड अर्निंग बढ़ा रहे हो रिवेल्यूशन सरप्लस से। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक तो आप एक्सेस डेप्रिसिएशन अपने पीएनएल में चार्ज कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कम हो रहा है, आपका पीएनएल ब्लॉक हो रहा है, पर उतने से उतने के 20,000 के बराबर का आप रिवेल्यूशन सरप्लस से निकाल के जनरल रिजर्व में रिटेन्ड अर्निंग में डाल रहे हो ताकि बैलेंस हो जाए। दूसरा, ट्रांसफर फुल अमाउंट व्हेन फाइनली डिस्पोज्ड। नाउ कुछ टाइम बाद ये हुआ कि आपने एसेट को बेच दिया, जब आपने एसेट को ही बेच दिया तो आपका जो भी रिवेल्यूशन सरप्लस में रिमेनिंग वैल्यू दिख रही है वो पूरी की पूरी रिटेन्ड अर्निंग में चली जाएगी। तो रिटेन्ड अर्निंग में दो तरीके से जा सकता है, जब आपकी असेट यूज होती जा रही है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर की वैल्यू रिटेन्ड अर्निंग में जाएगी, जब आपने असेट को बेच दिया तो पूरा का पूरा रिवेल्यूशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर। और एक और रीजन है, जब आप अपनी असेट को इंपेयरमेंट करते हो, जब आप अपनी असेट को इंपेयरमेंट करते हो तो भी आपका रिवेल्यूशन सरप्लस गिरेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो इंपेयरमेंट लॉस शैल बी ट्रांसफर टू रिवेल्यूशन सरप्लस। क्लियर। जब आप अपनी असेट को इंपेयर करते हो, अब ये मत पूछना सर ये क्यों जाएगा, यहां हम पढ़ेंगे इंड एएस 36 में। इंड एएस 36 हमें बताता है कि जब भी तुम अपनी असेट को इंपेयर करते हो तो असेट की वैल्यू डाउन हो रही है, मतलब तुम्हें लॉस हो रहा है। अब उस लॉस को तुम कहां ले जाओगे? क्या तुम्हारे पास पहले से ही रिवेल्यूशन सरप्लस रखा हुआ है? हाँ, तो उसमें ले जाओ, नहीं रखा तो पीएनएल में ले जाओ। तो तुम्हारा रिवेल्यूशन सरप्लस कैसे कैसे कम होगा? पहला, एक्सेस डेप्रिसिएशन के कारण तुम रिटेन्ड अर्निंग में डालोगे। दूसरा, जब तुमने असेट बेच दी तो रिटेन्ड अर्निंग में डालोगे। तीसरा, तुमने ना बेची है और एक्सेस डेप्रिसिएशन भी तो होता जा रहा है, बट अलग से तुमने इंपेयरमेंट किया तो इंपेयरमेंट लॉस से भी तुम्हारा रिवेल्यूशन सरप्लस गिर जाएगा। तो रिवेल्यूशन सरप्लस तुम्हारा तीन कारणों से कम होगा, एक्सेस डेप्रिसिएशन व्हेन द असेट इज सोल्ड, और तीसरा व्हेन द असेट इज गेटिंग इंपेयर्ड, द लॉस शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट रिवेल्यूशन सरप्लस इफ अवेलेबल फॉर दैट असेट। ऐसा नहीं कि इंपेयरमेंट कर रहा है दूसरी असेट का और रिवेल्यूशन सरप्लस रखा हुआ है किसी दूसरे क्लासिफिकेशन ऑफ असेट का, ऐसा नहीं चलेगा, सेम ब्लॉक ऑफ असेट होना चाहिए। सो गाइस, ये रिवेल्यूशन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं चैट को इनेबल कर रहा हूं, मुझे बताइए, चैट को इनेबल कर रहा हूं, आपको अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर 20,000 एक्सेस 2 लैक्स, हाँ ना शिखर,
उसी में ट्रांसफर करेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ग्रॉस और नेट मेथड कैन बी यूज्ड, दोनों करके आना भाई। क्वेश्चन इज साइलेंट, कितना टाइम लगता है तेरे को? हाँ दोनों करके आ जाना। कौन सी अपवर्ड डाउनवर्ड वाली दिखाऊं? ये वाली। सर इफ असेट कन्वर्टेड इनटू इन्वेंटरी देन सीज होगा, ऑब्वियसली फिर तो सीज होगा ही होगा 100%, फिर तो वो असेट ही नहीं बची ना। कनिका यस, इन अदर वर्ड्स रिवोल्यूशन विल बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। यस सर, अगर अपवर्ड रिवोल्यूशन इनटू असेट का है और लॉस है वाई का, एक्स का वाई का, क्या सेट ऑफ होगा? अगर सेम क्लासिफिकेशन ऑफ है असेट, दोनों सेम क्लासिफिकेशन आ रही है तो बिल्कुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट एक बार और, वो जो पॉइंट पुराने हो गए उसको छोड़ो, मैं डाउट पॉइंट पे आऊंगा जब तब डिस्कस करेंगे। एक बार रिवोल्यूशन मॉडल बता दीजिए, मैं रिवोल्यूशन मॉडल पूरा फिर से बताऊं, 15 मिनट जो मैंने गवाए। रिवोल्यूशन मॉडल क्या तेरे को एक बार फिर से बताऊं, मतलब उसमें क्या एक्चुअली पूछना चाह रहा है? इंपेयरमेंट लॉस सेम ब्लॉक में सेट ऑफ हो सकता है, मतलब सेम ब्लॉक में डिफरेंट असेट के लिए सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अनिशा, बिल्कुल हो सकता है। सर इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन दे हैव सेड अर्लियर ऑफ टू, बट इफ वी हैव डिसाइडेड टू हेल्ड फॉर सेल देन हाउ कैन वी डीरिकॉग्नाइज बी अर्लियर? नहीं तो ऐसे केस में डीरिकॉग्नाइज हुआ ही नहीं, तो डीरिकॉग्निशन की डेट आई नहीं, तो अर्लियर तो पहले से ही हो गया ना आपका, आपका हेल्ड फॉर सेल वो अर्लियर डेट हो गई, सिंपल। सोल्ड और हेल्ड फॉर सेल विच एवर इज अर्लियर, ऐसा सोचो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ ऑफ असेट क्या लेंगे? निखिल चोपड़ा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ लेंगे एज पर द शेड्यूल नंबर टू। ये इंड एस 16 का काम नहीं है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना, यूजफुल लाइफ बताना, ये इंड एस 16 का काम नहीं है। दिस इज द एग्जाम्पल, समबडी हैज आस्क्ड कि सर एग्जाम्पल फिर से दिखा दो, दिस इज द एग्जाम्पल। सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन मीन्स डेप्रिसिएशन एज पर फेयर वैल्यू, यस यस, डेप्रिसिएशन एज पर फेयर वैल्यू। मोहित शर्मा यू आर आस्किंग सर रिवोल्यूशन मॉडल पूरा एक्सप्लेन करो, बेटा कहां से, पिछले 20 मिनट से एक्सप्लेन कर रहा था, बाकी बच्चे मेरे को मारेंगे पकड़ के कि सर क्या फालतू रिपीट कर रहे हो। रिवोल्यूशन मॉडल है क्या? रिवोल्यूशन मॉडल सिंपली है कि आप अपनी असेट को फेयर वैल्यू पे लेके आते हो। जब आप अपनी असेट को फेयर वैल्यू पे लेके आते हो, मतलब मार्केट वैल्यू पे लेके आते हो, तो डेफिनेटली उसका डेप्रिसिएशन आगे चल के बदलेगा। डेप्रिसिएशन बदलेगा तो एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से सेट ऑफ करोगे। अगर आपने अपवर्ड किया था तो रिवैल्यू करते हो तो गेन भी हो सकता है, असेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, असेट की वैल्यू गिर भी सकती है। गेन होगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, लॉस होगा तो पीएनएल में जाएगा। पर पहले लॉस हुआ था तो पीएनएल में डाला था, अब फिर से गेन हो रहा है सेम असेट के ऊपर या सेम ब्लॉक के ऊपर, तो आप उतने बराबर जितना आपने पहले लॉस माना था उतने के बराबर आप पीएनएल में डालोगे, बाकी का रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालोगे, एंड वाइज वर्सा। ये मैंने मोहित आपको बता दिया एक शॉर्ट में। अरे यार ये नोटिफिकेशन, और देखो मुझे पता था ये सब फालतू चीजें होंगी, और गाइस क्या न्यूज है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझ ही नहीं आया तुम लोगों का। एग्जाम कैंसिल हो गए क्या? मतलब आई कांट अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल एग्जाम कैंसिल हो गए मतलब अचानक से तुम लोग बता रहे हो? वेट अ मिनट, डू आई नीड टू डिस्कस ऑन एग्जाम कैंसिलेशन और आई डू आई नीड टू प्रोसीड फर्दर? मुझे बता दो पहले, मैं आगे बढ़ूं कि मैं तुम्हारे एग्जाम कैंसिलेशन की बात तुमसे फालतू में करूं?
वैसे भी बहुत सारे फैकल्टी लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना देंगे एग्जाम कैंसिलेशन का, उनका सुन लेना ना यार, मेरा पढ़ाई का सुन लो यार प्लीज, अपनी पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट रखती है। टेल मी क्या करना है, एग्जाम कैंसिलेशन में फालतू की बात करूं कि मैं अपना पढ़ाता जाऊं? सर सिर्फ इक्वल टू एक्सेस डेप्रेशन इफ पीपी इज बीइंग यूज्ड, वो पॉइंट एक्सप्लेन करो ना। ये वाला पॉइंट ये है कि भाई आगे तू अपने पीपी को यूज कर रहा है तो जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेप्रिसिएशन को लग रहा है 120, ओरिजिनली तेरा डेप्रिसिएशन कायदे से 1 लाख, 10 लाख पर 1 लाख लगता, पर अब 12 लाख के ऊपर 120 लग रहा है, तो जो 20,000 का एक्सेस डेप्रिसिएशन है ना, उतने तक का अमाउंट तू रीवैल्यूएशन सरप्लस से गिरा के जनरल रिजर्व में डाल देगा। मतलब तू एक एंट्री पास करेगा रीवैल्यूएशन सरप्लस टू जनरल रिजर्व, कितना 20,000, और ये 120 का क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन पीएनएल टू पीपीई 120। अब ध्यान से मन की आंखों से देख, एक तो तूने डेप्रिसिएशन हायर चार्ज किया, तूने अपने पीएनएल को नेट प्रॉफिट को 20,000 एक्स्ट्रा गिरा दिया, कोई बात नहीं, उसका कॉम्पनसेशन तू यहां से कर रहा है, रिवॉल्यूशन से निकाल के जनरल रिजर्व में डाल रहा है, रिटेन अर्निंग बढ़ गई है, ठीक है, फ्री रिजर्व बढ़ रहे हैं। अर्लियर पीरियड मतलब कोई भी पीरियड, आपने आज से 15 साल पहले भी रिवैल्यू किया था, वो भी 10 साल पहले, 15 साल पहले, वॉट एवर। मधु डीटीएल डीटीए एडजस्ट रिवॉल्यूशन सरप्लस, डीटीए डीटीएल एडजस्ट रिवॉल्यूशन सरप्लस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली जब आप डीटीए डीटीएल बनाओगे तो उससे भी आपका एडजस्टमेंट होगा, बिल्कुल होगा। हमने इसको कल ही बात की थी कि अगर तुम अपनी असेट को अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हो, ठीक है ना, तो तुमने एक एंट्री तो कर ली थी असेट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन सरप्लस, अपवर्ड रिवॉल्यूशन करने से तुम्हारा डीटीएल बनेगा, डीटीएल बनेगा तो यू हैव टू चार्ज सच डीटीएल थ्रू रिवॉल्यूशन सरप्लस, बिल्कुल सच्ची बोल, सच्ची सही बोला। इंडेस 12 के साथ लिंकेज बताओ, मैं यही बोल रहा हूं, इसको इंडेस 12 के साथ लिंकेज समझते हैं। आइए लिंक विथ इंड एस 12, पीपीई कैरिंग अमाउंट 10 लाख, फेयर वैल्यू 12 लाख। सबसे फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी, पीपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, कितना 2 लाख, ये एंट्री पास होगी। नाउ कैरिंग अमाउंट रिवाइज्ड, कैरिंग अमाउंट रिवाइज्ड 12 लाख, टैक्स बेस मान लीजिए पुराना टैक्स बेस 10 लाख ही है, मान लीजिए 10 लाख है, क्या बनेगा डीटीएल। सर डीटीएल क्यों, क्योंकि टैक्स बेस नीचे है, कैरिंग अमाउंट ऊपर है, उसको नीचे लाना पड़ेगा, असेट को नीचे लाएंगे तो लाइबिलिटी, तो 2 लाख का 30% 60,000 क्रिएट डीटीएल, डीटीएल क्रिएट करने की एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस टू डीटीएल 60,000, ये आपका लिंकिंग, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सर वाई वी डोंट रिवैल्यू सरप्लस टू प्रॉफिट एंड लॉस, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसलिए नहीं करते, ये चीज आईपीसीसी में भी हमने पढ़ी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसलिए नहीं डालते रिवैल्यूएशन सरप्लस को, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हम कभी भी प्रॉफिट जो अभी तक हमें हुआ ही नहीं है हम उसको पीएनएल में नहीं चार्ज कर सकते, जब एक्चुअली होगा तो हम उसको रिटेन्ड अर्निंग में डाल देंगे, तो इसीलिए हम ये फोर्सिबल प्रॉफिट्स को हम पीएनएल में नहीं दिखा सकते, ठीक है। चलिए गाइस कैन वी प्रोसीड फर्दर, टेल मी कैन वी प्रोसीड फर्दर, अगर हमने रिवॉल्यूशन डाउनवर्ड किया तो इससे शेयर होल्डर को ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, डाउनवर्ड किया तो ज्यादा दिखेगा,
तो ये गलत है, नहीं है, बिकॉज इससे तो प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएगा। निखिल चोपड़ा, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड करने से तो प्रॉफिट कम होगा। निखिल क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितना सिली क्वेश्चन है। डाउनवर्ड करोगे तो लॉस होगा, लॉस होगा तो पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में प्रॉफिट तो कम दिखेगा, प्रॉफिट इन्फ्लेट कैसे करेगा। सर पीपी की अमाउंट जो असेट साइड पे है उसमें डीकमीशनिंग आ रहा है 7 करोड़ को, वो तो लायबिलिटी में आएगा, बिल्कुल लायबिलिटी में आएगा। तन्वी, यस वी हैव टू प्रोसीड फर्दर, बाकी डाउट्स विल बी इंटरटेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। जितने डाउट्स इसमें आ चुके हैं मैं एक बार देख लेता हूं, प्लीज प्रोसीड फर्दर, प्लीज प्रोसीड फर्दर। वेयर इज एफ सी टी आर वी टेक थ्रू पी एंडल, पता नहीं आपने क्या पूछा है। सर इन केस ऑफ मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट व्हेन आई अप्लाई रिवॉल्यूशन मॉडल व्हाट विल हैपन टू अकाउंट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी देयर इन द बुक्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अरे वो चीज मैंने बताई अभी जस्ट, अगर आप रिवॉल्यूशन कर रहे हो, मेजरमेंट एट बैलेंस शीट व्हेन आई अप्लाई रिवॉल्यूशन मॉडल द एक्यूमुलेटेड डेप्रिस, यार हु इज दिस, अंजना, अंजना योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी इंक्रीज ना, और इन केस ऑफ नेट मेथड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी खत्म। सिंपल, इधर इट विल बी खत्म और इट विल बी डिक्रीज द वे यू आर डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रेजेंट। सर अगर एक एंटिटी के पास दो तीन बिल्डिंग है एंड एंटिटी चूज टू अप्लाई रिवॉल्यूशन मॉडल देम एंड देम इफ एंटिटी ट्रांसफर वन बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देन सिंस क्लासिफिकेशन इज सेम। सिंपल, जो असेट जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चली गई उसको रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे, बाकी को रिवॉल्यूशन करेंगे। और क्या है सर पीपी की अमाउंट जो, अब देखो एग्जाम कैंसिल हुए आधे बच्चे तो गायब, अब एग्जाम कैंसिल हो गए हम क्यों रिवाइज करें, हम तो बाद में रिवाइज कर लेंगे, ये लेक्चर में डालूंगा ही नहीं, मैं पब्लिक करूंगा ही नहीं। इसीलिए गुस्सा आता है कि यार बच्चा उस टाइम पे लेक्चर अगर देख रहा है तो प्रॉपरली देखो। सर अगर हम रिवॉल्यूशन डाउनवर्ड, ये निखिल चोपड़ा का वाला डाउट मैंने कर दिया, दैट्स इट आई थिंक, शायद द डाउट्स आर गेटिंग रिपीटेड, सेम टू सेम डाउट्स हैं, और ये लेक्चर मैं पब्लिक नहीं करूंगा। अब मैं जो 200 बच्चे देख रहे हो वो देखते रहो, ये लेक्चर मैं पब्लिक नहीं करूंगा क्योंकि दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि नोटिफिकेशन आया एग्जाम सर कैंसल्ड, एग्जाम सर कैंसल्ड, चलो सर हम आपका लेक्चर बाद में देख लेंगे। द वे यू आर ट्रीटिंग इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। फिलहाल मेरी इच्छा होगी तो मैं नहीं करूंगा, या देखेंगे जो भी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। सर व्हाट डू यू मीन बाय डी रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन मतलब बुक्स में से हटा देना। सर क्यों हटा रहे, बेच दिया, ठीक है ना, बेच दिया आपने असेट को, डी रिकॉग्नाइज कर दिया, या फिर बेचा नहीं है बट नाउ असेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड द असेट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, यू हैव टू राइट इट ऑफ। तो सो डी रिकॉग्निशन केस में लॉस एंड गेन ट्रांसफर टू पीएनएल, अगर आपने हेल्ड फॉर सेल कर दिया तो आप इसको 105 में ले जाओगे। आई बात समझ में कि नहीं, लॉस हेल्ड फॉर सेल कर दिया तो 105 में जाओगे। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे ही तुमने अपनी असेट को हेल्ड फॉर सेल कर दिया तुम अपनी असेट को दिखाते हो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज विच एवर इज लेस। कौन से केस में, 105 हेल्ड फॉर सेल के केस में। मैं फिर से दो बातें कर रहा हूं, पहला असेट को बेच दिया, बेच दिया एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, जो भी डिफरेंस पी एंडल में जाएगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। असेट को बेचा नहीं है, हेल्ड फॉर सेल किया है, हेल्ड फॉर सेल मतलब अभी मैं बेचूंगा तो इसमें लगेगा इंड एस 105। अब अगर इंड एस 105 लगेगा तो इंड एस 105 बोलता है कि असेट की वैल्यू को चेंज करो, असेट को या तो कैरिंग अमाउंट पे दिखाओ या तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। मान लीजिए उसका कैरिंग अमाउंट है 10 लाख और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 9 लाख, अब तुम असेट को 1 लाख से डी रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब 1 लाख से रिड्यूस करोगे और वो डालोगे पी एंडल में। आई बात समझ में, सो दिस इज अ सिंपल केस डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। नाउ चेंज इन डी कमिशनिंग लाइबिलिटी, एक ये चेंज इन डी कमिशनिंग लाइबिलिटी, एक ये और एक बचा है इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट केसेस। पहले मैं डिफरेंट केसेस को डिफाइन कर लेता हूं क्योंकि वो बहुत इजी है, उसके बाद मैं लास्ट डी कमिशनिंग पे जाऊंगा। पहले डिफरेंट केसेस, सबसे पहले
इन एक्सचेंज, यू हैव परचेज द असेट इन एक्सचेंज, आपने असेट को परचेज किया एक्सचेंज में, आपने एसेट को परचेज किया एक्सचेंज में, मतलब आपने पीपीई खरीदा और आपने कोई दूसरा पीपीई दे दिया, या फिर आपने शेयर इशू किया, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे दिया, या फिर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट दिया, एक हाथ दे एक हाथ ले एक्सचेंज, ऐसे केस में फर्स्ट प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा डाउट पूछते हैं मुझसे कि सर फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड लेंगे कि गिवन अप लेंगे। इन अर्लियर डेज मैं बोलता था कि रिसीव्ड लेंगे, बाद में मैं ही बोलता था कि गिवन लेंगे, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चलता था, पहले इंस्टीट्यूट के भी सोल्यूशन एज पर रिसीव्ड थे, अब इंस्टीट्यूट ने अपने सोल्यूशन में हमेशा प्रायोरिटी गिवन को दी है, तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप शैल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड, और अगर मान लीजिए फेयर वैल्यू है ही नहीं आपके पास तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन इफ फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, इफ यू डोंट हैव फेयर वैल्यू देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन, दिस इज द केस ऑफ एक्सचेंज। दूसरा ग्रांट, अगर आपको असेट ग्रांट में मिलती है इन काइंड, इन काइंड लिख लेना यहां पर इन काइंड, अगर आपको असेट ग्रांट में मिलती है इन काइंड, इफ द असेट इज रिसीव्ड इन ग्रांट, आपके ऊपर ऑप्शन है, यू कैन रिकॉर्ड इट एट फेयर वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया 100 रुपया और फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू यू कैन रिकॉर्ड इट एट फेयर वैल्यू। सर अगर फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? असेट अकाउंट डेबिट टू, असेट अकाउंट डेबिट टू, सर टू क्या करेंगे? टू पीएनएल करेंगे? नहीं, टू ओसीआई, मतलब ये आपका ओसीआई में जाएगा, आपका ये अदर इक्विटी में जाएगा, तो बेसिकली इसमें एंट्री होगी असेट डेबिट टू अदर इक्विटी, और अगर नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे तो भी असेट टू अदर इक्विटी 10 रुपीज पे, फेयर वैल्यू जो भी आज उसकी फेयर वैल्यू है वॉट एवर। बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, नाउ सर व्हाट इज दिस बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, आपने असेट परचेस किया और आपने सामने वाले सप्लायर को बोला, सेलर को बोला कि मैं आपको 2 साल बाद पेमेंट करूंगा। नॉर्मली क्रेडिट पीरियड 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, पर आपने क्रेडिट पीरियड 12 महीने से ज्यादा पीरियड का ले लिया, दैट मींस योर क्रेडिट पीरियड इज एक्सेस, इट इज बियॉन्ड नॉर्मल, इट इज बियॉन्ड नॉर्मल। ऐसे केस में आप अपनी असेट को रिकॉर्ड करोगे कैश प्राइस इक्विवेलेंट, मतलब एट प्रेजेंट वैल्यू पे, आज असेट की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल सुनो, मैंने एक बिल्डिंग परचेज किया 1 करोड़ रुपीज का, मैं 1 करोड़ पे करूंगा 2 साल बाद, अगर मैं आज ही पे कर देता तो मुझे 90 लाख रुपीज पे करने पड़ते, मतलब आई एम पेइंग 10 लाख रुपीज फॉर 2 ईयर्स का इंटरेस्ट, आई हैव टू रिकॉर्ड द असेट एट 90 लाख, द रिमेनिंग 10 लाख आई हैव टू अमोटाइज ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स एज इंटरेस्ट कॉस्ट। सो द कैश प्राइस इक्विवेलेंट मींस आज की प्राइस, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, उसके लिए आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ सकता है। इट मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लो, जो आप फ्यूचर में आउटफ्लो करने वाले हो 1 करोड़, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे केस में फाइनेंस कॉस्ट आपका कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। टोटल कंसिडरेशन 1 करोड़ माइनस कैश प्राइस इक्विवेलेंट 90 लाख, ये आ जाएगा आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कितना आएगा? टोटल कंसिडरेशन माइनस कैश प्राइस इक्विवेलेंट। समझ आया? मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग परचेज किया 1 करोड़ रुपीज का, आपने बोला कि मैं 4 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, आज 50 लाख, 6 महीने बाद 50 लाख, फिर 50 लाख, फिर 50 लाख, 4 इंस्टॉलमेंट्स में मैं 50-50-50-50 पे करूंगा, मैं इन चारों 50-50-50 का प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा आज। मान लीजिए आज इसका सॉरी 50-50 नहीं 25-25-25-25, मान लीजिए इसका प्रेजेंट वैल्यू आया 92 लाख, आई हैव टू रिकॉर्ड द असेट एट 92 लाख, इट इज कॉल्ड कैश प्राइस इक्विवेलेंट, द रिमेनिंग 8 लाख विल बी अमोटाइज ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, लास्ट कंसोलिडेटेड प्राइस। आपने बहुत सारे पीपीई खरीदे, प्राइस आपने सिंगल दिया, स्लम सेल सुना होगा आपने डायरेक्ट टैक्स में, स्लम सेल, आपने पूरा यूनिट परचेज कर लिया, आपने डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एक सिंगल प्राइस पे परचेज किया, आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? आप हर असेट को रिकॉर्ड करोगे हर असेट की फेयर वैल्यू के प्रपोर्शन में, मतलब द टोटल प्राइस शैल बी डिवाइडेड इन प्रपोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव पेड 10 करोड़ इन टोटल फॉर 10 डिफरेंट असेट्स, अब हर एसेट की अपनी अपनी फेयर वैल्यू है, कोई 2 करोड़ की है, कोई 4 करोड़ की है, कोई 1 करोड़ की है, कोई 50 लाख की है, आप इस 10 करोड़ को सबकी फेयर वैल्यू के प्रपोर्शन में डिवाइड करोगे और इंडिविजुअली रिकॉर्ड करोगे ताकि ओवरऑल 10 करोड़ दिखे। ठीक है, इंटायर प्राइस शैल बी अपोर्शन इन द रेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ईच पीपी। सो गाइस, दिस वॉज द डिफरेंट केसेस, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
चेंज इन डीकमिशनिंग लाइबिलिटी। सर ये चेंज इन डीकमिशनिंग लाइबिलिटी क्या है? मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं क्योंकि अब लेक्चर नियर टू एंड है, नियर टू कंप्लीट है। चेंज इन डीकमिशनिंग लाइबिलिटी क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं। चेंज इन डीकमिशनिंग लाइबिलिटी क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं। उसके लिए मुझे पहले आपको पूरी पिक्चर बतानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल मेरा 50 करोड़ का एस्टिमेशन है। इनिशियली मैंने 7 करोड़ रुपीस रिकॉर्ड कर दिया पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। मैंने प्रोविजन 7 करोड़ से बना दिया। नाउ व्हाट टू डू, एवरी ईयर इंटरेस्ट डेबिट टू प्रोविजन, ये हर साल होगा। मान लीजिए फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, फोर्थ ईयर हुआ, फिफ्थ ईयर हुआ, सेवंथ ईयर हुआ, एट्थ ईयर हुआ, टेंथ ईयर हुआ, ट्वेल्थ ईयर हुआ, फिफ्टींथ ईयर हुआ। फिफ्टींथ ईयर तक आते आते बैलेंस ऑफ प्रोविजन इज से 18 करोड़। प्रोविजन लाइबिलिटी का बैलेंस 18 करोड़ तक आ चुका है। 18 करोड़ तक बैलेंस आ चुका है प्रोविजन का बैलेंस। कैसे आया होगा? इनिशियली आपने 7 करोड़ पे बुक किया था प्रोविजन को और आपने चार्ज किया था पीपीई में। हर साल इंटरेस्ट 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 डेबिट टू प्रोविजन टू प्रोविजन टू प्रोविजन करके प्रोविजन आज कितना दिख रहा है? 18 करोड़। आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर टिल 15 ईयर्स, अब क्या हुआ? मान लीजिए 50 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के 15th ईयर के बाद लेट अस से आपका 50 करोड़ का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो चेंज हो गया। सेकंड, आपका डिस्काउंट रेट चेंज हो गया। थर्ड, आपके नंबर ऑफ ईयर्स भी चेंज हो सकते हैं, कम हो गए, ज्यादा हो गए। सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोस। फर्स्ट, चेंज इन द फ्यूचर आउटफ्लो। सेकंड, चेंज इन द डिस्काउंटिंग रेट। थर्ड, चेंज इन द पीरियड टर्म, वॉट एवर इट कैन बी, इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज। सर वॉट टू डू ऐसे केस में, क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि इट 50 क्रोर्स बिकम्स टू 60 क्रोर्स। अब आपको लग रहा है कि अब आपका 60 करोड़ का खर्चा होगा। कितने का खर्चा होगा? 60 करोड़। और डिस्काउंटिंग रेट मान लो 12% हो गया। इनिशियली सपोज आपका डिस्काउंटिंग रेट 10% था। वॉट यू विल डू? कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है। टोटल कितने ईयर्स थे? 50 में से कितने साल खत्म हो चुके हैं? 15 माइनस करो, अब कितने बचे? 35। आप करोगे 60 करोड़ का 12% पर डिस्काउंटिंग 35 ईयर्स के लिए, क्योंकि आज आप 15th ईयर तक पहुंच चुके हो। पीछे क्या हो चुका है उससे मतलब नहीं है, ये आपका एस्टीमेट चेंज हुआ है। एस्टीमेट चेंज होने के ऊपर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देते। सो नाउ 60 करोड़ जो रिवाइज्ड आपका आउटफ्लो है उसकी आप 12% डिस्काउंटिंग, जो न्यू डिस्काउंट रेट है उसका 35 इयर्स का डिस्काउंटिंग करोगे, आज वैल्यू आ जाएगी। मान लो आज वैल्यू आ रही है प्रोविजन की, इट शुड बी से 23 करोड़। रिवाइज्ड प्रोविजन मान लीजिए 23 करोड़ आ, आपकी बुक्स में कितना दिख रहा है? 18। आपके रिवाइज आना कितना चाहिए? 23। बताइए प्रोविजन को बढ़ाऊं कि प्रोविजन को घटाऊं? प्रोविजन को बढ़ाऊं। मेरी बुक्स में प्रोविजन 18 करोड़ दिख रहा है एज पर द करंट सिचुएशन। सिचुएशन बिकम्स चेंज्ड, एज पर द चेंज्ड सिचुएशन द रिवाइज्ड प्रोविजन शुड बी 23 क्रोर्स। केस नंबर वन। केस नंबर टू, द रिवाइज्ड प्रोविजन शुड बी 14 क्रोर्स, 18 से कम। सो दो केसेस, प्रोविजन बढ़ भी सकता है, प्रोविजन गिर भी सकता है, डिपेंड करता है। दो केसेस हैं, प्रोविजन बढ़ भी सकता है, प्रोविजन गिर सकता है। अगर प्रोविजन बढ़ेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस, प्रोविजन गिरेगा, प्रोविजन गिरेगा तो लायबिलिटी गिरेगी तो गेन। तो हमें ट्रीटमेंट समझना है कि व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ गेन और लॉस। आई थिंक पहले आप इसको खुद पढ़िए और खुद समझने की कोशिश करिए व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गेन और लॉस। अगर आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हो तो ट्रीटमेंट कुछ और होगा, अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हो तो कॉस्ट मॉडल कुछ और होगा, कॉस्ट मॉडल कुछ और होगा। ठीक है, पहले खुद पढ़िए फिर हम बात करते हैं।
पहले खुद पढ़िए फिर बात करते हैं, पहले खुद पढ़िए फिर हम बात करते हैं। कॉस्ट मॉडल जहां पर आपने अपनी एसेट को कभी भी रिवैल्यू नहीं किया, जितना भी गेन होगा जितना भी लॉस होगा शैल बी एडजस्टेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। सर मतलब ये गेन के केस में आप एंट्री पास करोगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेन हो रहा है तो लायबिलिटी गिर रही है, टू पीपी, और अगर लॉस हो रहा है तो एंट्री करोगे पीपीई डेबिट टू प्रोविजन, ठीक है। पर अगर रिवैल्यूएशन मॉडल की बात करें जहां पर आपकी असेट तो फेयर वैल्यू पे होती है, तो जब तुम्हारी असेट फेयर वैल्यू पे है तो अब जो गेन और लॉस है उसको अपनी असेट से एडजस्ट नहीं करने का, नहीं तो तुम्हारी असेट वापस से फेयर वैल्यू से इधर उधर हो जाएगी। तुमने रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया हुआ है, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया मतलब तुम्हारी असेट तो आज फेयर वैल्यू पे है, गेन और लॉस को पीपीई से एडजस्ट मत करना नहीं तो फेयर वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, गेन और लॉस एडजस्टेड इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस। सर मतलब इफ यू हैव ऑलरेडी रिवैल्यूएशन रिजर्व सच लॉस शैल बी सेट ऑफ विथ रिवैल्यूएशन सरप्लस, और इफ यू हैव गेन द ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या एंट्री पास करेंगे, अगर तुम्हें लॉस हो रहा है तो एंट्री करोगे प्रोविजन, सॉरी लॉस हो रहा है ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू प्रोविजन, क्योंकि लॉस हो रहा है प्रोविजन बढ़ेगा, और अगर गेन हो रहा है तो गेन के केस में प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। मतलब गेन को इनडायरेक्टली तुम कहीं ना कहीं क्या मान रहे हो, गेन को तुम यह मान रहे हो कि तुमने अपनी असेट को फेयर वैल्यू कर लिया, पर फेयर वैल्यू पे तो ऑलरेडी है तो तुमने अपनी लायबिलिटी गिरा दी और रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दिया। सर रीजन, मुझे पता है बच्चे पूछेंगे सर रीजन क्या है, कॉस्ट मॉडल में तुम्हारी असेट ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रही है, आज की फेयर वैल्यू पे दिख नहीं रही है तो असेट से एडजस्ट कर लो गेन लॉस को, पर रिवॉल्यूशन मॉडल में तो तुम्हारी असेट ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे दिख रही है, गेन लॉस को अगर तुम अपनी असेट से एडजस्ट करोगे तो फेयर वैल्यू बिगड़ जाएगी, इसीलिए रिवॉल्यूशन सरप्लस से एडजस्ट कर लो। गाइस अंडरस्टूड और नॉट, आई थिंक आई हैव डन माय जॉब, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना जॉब पूरा किया और आई फील प्राउड कि एट दिस टाइम जिस टाइम पे आईसीआई ने एग्जाम कैंसिल किए उस टाइम पे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हमने एग्जाम कैंसिलेशन का नहीं सोचा, एंड आई रियली थैंक यू टू दोज मोर देन 200 स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ पेशेंस रखते हुए इसको पढ़ा, ये नहीं सोचा कि यार एग्जाम कैंसिल होगा एग्जाम कैंसिल होगा, एग्जाम कैंसिल हो गए ना बात खत्म, अब तो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अभी तक तो हमारे माइंड में था सर पढ़ाई नहीं हो रही, सर पढ़ाई नहीं हो रही, जब एग्जाम कैंसिल हो गए तो अच्छे से पढ़ लो भाई। तो रियली दिल से मैं उन 200 बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे कैंसिल का नोटिफिकेशन को भी इग्नोर करते हुए कम से कम मेरे साथ बने रहे और मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। सो आपको अगर मुझसे कोई डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम सेशन को यहीं पर ओवर कर सकते हैं। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि जिस टाइम पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसी टाइम पे नोटिफिकेशन आया, बाकी सभी लोग यहां पर यूट्यूब पे धाबा बोल रहे होंगे देखो कैंसिल हो गया और हम पढ़ाई कर रहे हैं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, सीरियसली इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और यस मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा, मैंने बोला था कि अगर एग्जाम कैंसिल हो गए तो मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो डेफिनेटली आई विल प्रॉमिस, मैं आई विल फुलफिल माई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच सर, ग्रांट वाले केस में डेप्रेशन ट्रीटमेंट बताओ प्लीज फॉर बोथ। बेटा अमल, इन केस ऑफ नॉमिनल नो डेप्रेशन, इन केस ऑफ फेयर वैल्यू नॉर्मली डेप्रेशन चार्ज होगा पीएनएल में। लव यू सो मच गाइस, लव यू टू। कंपोनेंट वाइज डेप्रेशन मैंडेटरी और मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, सी एक्चुअली इट इज एट मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, बट ऑडिटर इस पे रिपोर्ट कर सकता है कि तुमने कॉम्पोनेंट वाइज डेप्रेशन क्यों नहीं लगाया, जबकि मेरे हिसाब से लगना चाहिए। वॉट इज द लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, अगर मान लीजिए दो एंटिटीज के बीच में बार्टर सिस्टम चल रहा है तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो एक अपना एक ट्रांजेक्शन है।
सर डीआरओएल पे इंस्टीट्यूट के मैट में डीआरओएल क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। थैंक्स सर, इवन दो माय एग्जाम्स वुड बी नवंबर, स्टिल लव द लेक्चर्स एंड गॉट सो मच क्लियर आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और प्रायोरिटीज टू स्टडी, पढ़ाई बाकी सब बाद में, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस रिविजन। फाइनली आई स्टार्टेड एफ आर रिविजन आफ्टर वॉचिंग वीडियोज फ्रॉम टुमारो। ओके मधु, थैंक यू सो मच सर। आई अंडरस्टूड द डिकमिशनिंग लाइबिलिटी पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ग्रेट सर। आप थैंक यू मत बोलो, यू शुड थैंक यू फॉर डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडी, वी शुड। ओके रौनक, मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग मेरे साथ बने हुए। मतलब यहाँ पर बहुत ऐसा होता है, चलो एग्जाम कैंसिल हो गए, बाद में देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, डिस्ट्रैक्शन होता है। आपने डिस्ट्रैक्शन नहीं किया, इसीलिए मेरी तरफ से सबको थैंक यू। सब क्लास कंपोनेंट वाला डाउट, सब क्लास कंपोनेंट वाला डाउट मतलब मैं समझा नहीं। सब क्लास सेसेशन वाला पॉइंट, सेसेशन वाला पॉइंट, सेसेशन वाला कहां गया पॉइंट, सेसेशन वाला पॉइंट कहां गया रे? डेप्रिसिएशन में था, सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब नहीं लगाओगे? जब तुम्हारा असेट तुम्हारी रेसिडुअल वैल्यू के बराबर आ गया, या फिर तुमने अपनी असेट को हेल्ड फॉर सेल कर दिया। हेल्ड फॉर सेल मतलब तुमने डिसाइड कर लिया कि अब तुम यूज नहीं करोगे, या फिर तुमने बेच दिया, विच एवर इज अर्लियर। सर डिकमिशनिंग में चेंज हुआ तो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर 15th ईयर का लेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर 15th ईयर के एंड में हुआ है तो आप 16 ईयर के बिगिनिंग से लोगे। थैंक यू सोमेश, थैंक यू जनक। आकाश पॉसिबली मैं बोल चुका हूं कि सुबह 9 बजे लूंगा मैं लेक्चर। अब थैंक यू नीना मैथ्यू, थैंक यू सो मच सर। अगर एंटिटी के पास 2-3 बिल्डिंग है एंड एंटिटी चूज टू अप्लाई रीवैल्यूएशन मॉडल एंड देम इफ एंटिटी ट्रांसफर वन। बेटा निहारिका, मैंने आपका एग्जाम्पल पहले से ही, मैंने आपका डाउट क्लियर कर लिया था। भले क्लासिफिकेशन चेंज है, आपका एक असेट इन्वेस्टमेंट में चला गया, उस असेट के ऊपर आप रिवैल्यू नहीं करोगे, बाकी की असेट के ऊपर रिवैल्यू करोगे। मतलब द असेट विच इज अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवैल्यूड। कल का टाइम सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, 9:30, 9:30, 9:30, टुमारो 9:30, टुमारो 9:30, टुमारो 9:30, टुमारो 9:30। अब कुछ क्वेश्चन भी करा दो। देखो साहब, क्वेश्चन तो हम नहीं करा पाएंगे क्योंकि पहले से ही शर्त थी रिवीजन लेक्चर्स की। सर बैलेंस शीट में असेट साइड पे जो पीपी आएगी उसमें डीकमिशनिंग वाला 7 करोड़ नहीं आएगा, ओनली परचेज एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट आएगा। तन्वी आएगा, क्यों नहीं आएगा, पागल हो गई हो? पीपी अकाउंट डेबिट 7 करोड़ बिल्कुल आएगा, और डीकमिशनिंग लाइबिलिटी अलग से 7 करोड़ लाइबिलिटी साइड में दिखेगी। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन मींस असेट को सेल करना या फिर असेट को राइट ऑफ कर देना, तो असेट को अपनी बुक्स में से गिरा देना और पीएनएल में चार्ज कर देना। चलिए, आई थिंक आपके डाउट्स रिपीटेड डाउट्स हैं या थोड़े से इररिलेवेंट डाउट्स हैं। आप इस लेक्चर को एक बार, मतलब आप इंडिया 16 को रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी चीजें हैं अपन अगले लेक्चर में अब आगे बढ़ेंगे। अगले लेक्चर में अपन अकॉर्डिंगली शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके एग्जाम कैंसिल हो गए, अच्छे से पढ़ाई करो। कैंसिल हुए हैं, है ना, पोस्टपोन हुए, मैं बोलूंगा कि इसको कैंसिल मत बोलना, इसको पोस्टपोन बोलना, और इसका बेटर फायदा उठाना। क्योंकि अब अगर नवंबर में तुमसे कोई गलती हो गई तो याद रखना तुम्हारी इज्जत बहुत खतरनाक तरीके से गिरेगी, ठीक है? क्योंकि 4 लोग नहीं, अब 400 लोग तुम्हें देख रहे हैं, और तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं वो लोग जानते हैं कि तुम्हारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए, तो उनकी अब एक्सपेक्टेशन तुमसे और ज्यादा बढ़ गई है। तो याद रखना ये चीज को, और इसी चीज को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करो। यूट्यूब पे जितने भी लोग, जितने भी मेरे जैसे फैकल्टीज डाल रहे हैं एग्जाम कैंसिल हो गए, किसी को सुनने की जरूरत नहीं,
कैंसिल हो गए ना, दैट्स इट। अपना दिमाग चलाओ, नवंबर के लिए प्रिपरेशन करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।